अगर आप लोग भी मेरी तरह बहुत सारी मूवीज़ देख चुके हैं एंड आप लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ को देख लिया है, लेकिन आप लोगों को कोई भी कैटेगरी अच्छी नहीं लगी, हाँ कुछ कैटेगरीज अच्छी लगी हैं जिनमें थ्रिल का भी नाम आता है, तो हाँ यहाँ पर हम एक ऐसे ही यहाँ पर सीजन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग सीजन्स को भी इंजॉय करते हैं, क्योंकि जब हम सीज़न देखने स्टार्ट कर जाते हैं तो हमारी जो है वो मूवीज़ बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन की लग जाती है कि यार ये तो अभी स्टार्ट हुई एंड दैट्स इट, अभी ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ फेस करनी पड़ती है, मुझे भी पता है क्योंकि मैं खुद एक जो है वो सीजन्स का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, मैं सीजन्स बहुत ज़्यादा देखता हूँ। तो अगर आप लोग भी मेरी तरह सीजन्स वगैरह देखते हैं तो आप लोगों को भी अभी तक समझ में तो आ गया होगा कि मैं क्यों ये सारी चीज़ें बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम बहुत ही प्यारे सीजन के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। स्पेशल ओपीएस 1.5 द हिम्मत स्टोरी, जी हाँ ये सीज़न है जिसका नेम मैंने आप लोगों के सामने भी लिया, स्पेशल ओपीएस 1.5 ये सीज़न है जो कि बहुत ही अच्छा सीज़न बनाया गया है। आप लोगों को ये सीज़न कंप्लीट कहाँ पर देखने को मिलेगा इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये किस तरह की यहाँ पर सीज़न बनाया गया है, हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगा एंड अभी फाइनली ये हमें कहाँ पर अवेलेबल किया गया है, हिंदी में अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारे सीजन के बारे में जिसका नेम है जी स्पेशल ओपीएस, मींस यहाँ पर स्पेशल ओपीएस 1.5 के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम बात करें कास्टिंग की, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी अच्छी होगी, मूवी में जान होगी, सीरीज़ हो या मूवी, कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेंगे के मैनन, विनय पाठक, आफ्ताब शिद्वासिनी और आदिल खान, परमीत सेट्टी और काली प्रसाद मुखर्जी और ऐश्वर्या सुष्मिता देखने को मिलेंगे। और भी वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं इस सीज़न के अंदर, लेकिन यहाँ पर लीड रोल इन्होंने प्ले किया है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल इन्होंने प्ले किया है। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी जो है वो जेनर क्या है, हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा इस सीज़न के अंदर। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस सीज़न में आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ एक्शन देखने को मिलेगा। तो ये सारा कुछ आप लोगों को इस सीज़न में देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी किया गया है। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इसकी आईएमडीबी रेटिंग क्या है एंड उसी के साथ साथ इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी आईएमडीबी रेटिंग जो है वो है जी 8.3 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी परसेंटेज कितनी है गूगल के यूज़र्स की तरफ से, तो इसे 96% तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि ये सीज़न जो है वो कब रिलीज़ किया गया और उसी के साथ साथ ये सीज़न जो है उसके कितने अभी तक सीज़न आ चुके हैं, इस वेब सीरीज़ के कितने सीज़न आ चुके हैं और इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स टोटल कितने हैं, कितनी टाइम ड्यूरेशन रखते हैं, तो इन चीज़ों पर हम बात करते हैं। तो अभी तक इसका एक ही सीज़न आया है एंड उसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो 4 एपिसोड हैं जो कि बहुत ही अच्छे एपिसोड हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली वो देखने चाहिए। अगर आप लोग देखेंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को मज़ा आएगा, आप लोग यहाँ पर कम्प्लीटली इंगेज्ड रहेंगे। बाकी उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की कि इस सीरीज़ की डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन चाहे मूवी की हो या सीरीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी कंटेंट बनाना हो, चाहे आप YouTube के लिए वीडियो ही क्यों ना बना रहे हो, तो आप लोगों को जो है वो डायरेक्शन, प्रोडक्शन, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक सीरीज़ के लिए, एक मूवी के लिए, एक किसी भी कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी की जो है वो डायरेक्शन को, इस सीरीज़ की डायरेक्शन को संभालते हुए नज़र आएंगे नीरज पांडे और शिवम नैयर। इन्होंने मिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है एंड अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने पास्ट में
में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी। तो जी हाँ, इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जिनमें से चंद एक के नेम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने स्पेशल 26, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, एवेनस डे, उसी के साथ साथ बेबी, अय्यारी, और उसी के साथ साथ क्रैक, और भी ऐसी मूवीज़ इन्होंने ही दी हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ हैं एंड आई थिंक आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा देखनी चाहिए। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की, इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया कि इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स कितने हैं, तो टाइम ड्यूरेशन हर एक एपिसोड की कितनी है। तो 30 से 50 मिनट के राउंड अबाउट एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन होगी। डिफरेंट डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम 50 है एंड मिनिमम 30 है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस सीरीज़ की स्टारिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, मैंने ऑलरेडी बता दिया। कंपोज़र में अद्वैत नेमालकर देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ अगर बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो शीतल भाटिया, और आप लोगों को यहाँ पर शीतल भाटिया ही प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को सुधीर पलसानी और अरविंद सिंह देखने को मिलेंगे। एडिटिंग की बात करें तो प्रवीण आप लोगों को इस मूवी की, इस सीरीज़ की एडिटिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है। प्रोडक्शन कंपनी में फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये सीज़न डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल किया गया है, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख सकते। वेल, अगर आप लोग भी मेरी तरह बहुत सारी मूवीज़ देख चुके हैं एंड आप लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ को देख लिया है, लेकिन आप लोगों को कोई भी कैटेगरी अच्छी नहीं लगी, हाँ कुछ कैटेगरीज़ अच्छी लगी हैं जिनमें थ्रिल का भी नाम आता है, तो हाँ यहाँ पर हम एक ऐसे ही यहाँ पर सीज़न के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग सीजन्स को भी इंजॉय करते हैं, क्योंकि जब हम सीज़न देखने स्टार्ट कर जाते हैं तो हमारी जो है वो मूवीज़ बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन की लगने लग जाती है कि यार ये तो अभी स्टार्ट हुई एंड दैट्स इट, अभी ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ फेस करनी पड़ती है, मुझे भी पता है, क्योंकि मैं ख़ुद एक जो है वो सीजन्स का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, मैं सीजन्स बहुत ज़्यादा देखता हूँ। तो अगर आप लोग भी मेरी तरह सीजन्स वगैरह देखते हैं तो आप लोगों को भी अभी तक समझ में तो आ गया होगा कि मैं क्यों ये सारी चीज़ें बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम बहुत ही प्यारे सीज़न के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। स्पेशल OPS 1.5 द हिम्मत स्टोरी, जी हाँ ये सीज़न है जिसका नेम मैंने आप लोगों के सामने भी लिया, स्पेशल OPS 1.5 ये सीज़न है, जो कि बहुत ही अच्छा सीज़न बनाया गया है। आप लोगों को ये सीज़न कंप्लीट कहाँ पर देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये किस तरह की यहाँ पर सीज़न बनाया गया है, हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगा एंड अभी फाइनली ये हमें कहाँ पर अवेलेबल किया गया है, हिंदी में अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारे सीजन के बारे में, जिसका नेम है जी स्पेशल OPS, मींस यहाँ पर स्पेशल OPS 1.5 के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम बात करें कास्टिंग की, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी अच्छी होगी, मूवी में जान होगी, सीरीज़ हो या मूवी, कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेंगे के मैनन, विनय पाठक, आफ्ताब शिदवासिनी और आदिल खान, परमीत शेट्टी और काली प्रसाद मुखर्जी और ऐश्वर्या सुष्मिता देखने को मिलेंगे। और भी वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं इस सीज़न के अंदर, लेकिन यहाँ पर लीड रोल इन्होंने प्ले किया है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल इन्होंने प्ले किया है। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी जो है वो जेनर क्या है, हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा इस सीज़न के अंदर। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस सीज़न में आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ एक्शन देखने को मिलेगा। तो ये सारा कुछ आप लोगों को इस सीज़न में देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी किया गया है। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इसकी IMDb रेटिंग क्या है एंड उसी के साथ साथ इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया।
तो इस सीजन की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग जो है वो है जी 8.3 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी परसेंटेज कितनी है गूगल के यूज़र्स की तरफ से, तो इसे 96% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि ये सीज़न जो है वो कब रिलीज़ किया गया, और उसी के साथ साथ ये सीज़न जो है उसके कितने अभी तक सीज़न आ चुके हैं, इस वेब सीरीज़ के कितने सीज़न आ चुके हैं, और इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स टोटल कितने हैं, कितनी टाइम ड्यूरेशन रखते हैं, तो इन चीज़ों पर हम बात करते हैं। तो अभी तक इसका एक ही सीज़न आया है, एंड उसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो 4 एपिसोड हैं, जो कि बहुत ही अच्छे एपिसोड हैं, एंड आप लोगों को डेफिनेटली वो देखने चाहिए। अगर आप लोग देखेंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को मज़ा आएगा, आप लोग यहाँ पर कम्प्लीटली इंगेज्ड रहेंगे। बाकी उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की, कि इस सीरीज़ की डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन चाहे मूवी की हो या सीरीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी कंटेंट बनाना हो, चाहे आप YouTube के लिए वीडियो ही क्यों ना बना रहे हो, तो आप लोगों को जो है वो डायरेक्शन प्रोडक्शन ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक सीरीज़ के लिए, एक मूवी के लिए, एक किसी भी कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी की जो है वो डायरेक्शन को, इस सीरीज़ की डायरेक्शन को संभालते हुए नज़र आएंगे नीरज पांडे और शिवम नैयर। इन्होंने मिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी, तो जी हाँ, इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जिनमें से चंद के नेम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने स्पेशल 26, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, एवेनस डे, उसी के साथ साथ बेबी, अयारी, और उसी के साथ साथ क्रैक, और भी ऐसी मूवीज़ इन्होंने ही दी हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ हैं, एंड आई थिंक आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा देखनी चाहिए। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की, इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया कि इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स कितने हैं, तो टाइम ड्यूरेशन हर एक एपिसोड की कितनी है, तो 30 से 50 मिनट के राउंड अबाउट एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन होगी। डिफरेंट डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम 50 है एंड मिनिमम 30 है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस सीरीज़ की स्टारिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, मैंने ऑलरेडी बता दिया। कंपोज़र में अद्वैत नेमालकर देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ अगर बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो शीतल भाटिया, और आप लोगों को यहाँ पर शीतल भाटिया ही प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को सुधीर पलसानी और अरविंद सिंह देखने को मिलेंगे। एडिटिंग की बात करें तो प्रवीण आप लोगों को इस मूवी की, इस सीरीज़ की एडिटिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है। प्रोडक्शन कंपनी में फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये सीज़न डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल किया गया है, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख सकते। वेल, अगर आप लोग भी मेरी तरह बहुत सारी मूवीज़ देख चुके हैं एंड आप लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ को देख लिया है, लेकिन आप लोगों को कोई भी कैटेगरी अच्छी नहीं लगी, हाँ कुछ कैटेगरीज़ अच्छी लगी हैं जिनमें थ्रिल का भी नाम आता है, तो हाँ यहाँ पर हम एक ऐसे ही यहाँ पर सीज़न के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग सीजन्स को भी इंजॉय करते हैं, क्योंकि जब हम सीज़न देखने स्टार्ट कर जाते हैं तो हमारी जो है वो मूवीज़ बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन की लगने लग जाती है कि यार ये तो अभी स्टार्ट हुई एंड दैट्स इट, अभी ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ फेस करनी पड़ती है, मुझे भी पता है, क्योंकि मैं ख़ुद एक जो है वो सीजन्स का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, मैं सीजन्स बहुत ज़्यादा देखता हूँ। तो अगर आप लोग भी मेरी तरह सीजन्स वगैरह देखते हैं, तो आप लोगों को भी अभी तक समझ में तो आ गया होगा कि मैं क्यों ये सारी चीज़ें बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम बहुत ही प्यारे सीज़न के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। स्पेशल OPS 1.5 द हिम्मत स्टोरी, जी हाँ ये सीज़न है जिसका नेम मैंने आप लोगों के सामने भी लिया, स्पेशल OPS 1.5 ये सीज़न है, जो कि बहुत ही अच्छा सीज़न बनाया गया है। आप लोगों को ये सीज़न कंप्लीट कहाँ पर देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये किस तरह की यहाँ पर सीज़न बनाया गया है, हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, एंड अभी फाइनली ये हमें कहाँ पर अवेलेबल किया गया है, हिंदी में अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा, और हमारी इस वीडियो
को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारे सीज़न के बारे में, जिसका नेम है जी स्पेशल OPS, मींस यहाँ पर स्पेशल OPS 1.5 के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम बात करें कास्टिंग की, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी अच्छी होगी, मूवी में जान होगी। सीरीज़ हो या मूवी, कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेंगे के मैनन, विनय पाठक, आफ्ताब शेदवासिनी और आदिल खान, परमीत सेट्टी और काली प्रसाद मुखर्जी और ऐश्वर्या सुष्मिता देखने को मिलेंगे। और भी वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं इस सीज़न के अंदर, लेकिन यहाँ पर लीड रोल इन्होंने प्ले किया है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल इन्होंने प्ले किया है। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी जो है वो जेनर क्या है, हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा इस सीज़न के अंदर। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस सीज़न में आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ एक्शन देखने को मिलेगा। तो ये सारा कुछ आप लोगों को इस सीज़न में देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी किया गया है। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इसकी IMDB रेटिंग क्या है एंड उसी के साथ साथ इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस सीज़न की यहां पर जो है वो सारी की सारी IMDB रेटिंग जो है वो है जी 8.3 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीज़न की यहां पर जो है वो सारी की सारी परसेंटेज कितनी है गूगल के यूज़र्स की तरफ से, तो इसे 96% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि ये सीज़न जो है वो कब रिलीज़ किया गया और उसी के साथ साथ ये सीज़न जो है उसके कितने अभी तक सीज़न आ चुके हैं, इस वेब सीरीज़ के कितने सीज़न आ चुके हैं और इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स टोटल कितने हैं, कितनी टाइम ड्यूरेशन रखते हैं, तो इन चीज़ों पर हम बात करते हैं। तो अभी तक इसका एक ही सीज़न आया है एंड उसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो 4 एपिसोड हैं, जो कि बहुत ही अच्छे एपिसोड हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली वो देखने चाहिए। अगर आप लोग देखेंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को मज़ा आएगा, आप लोग यहां पर कम्प्लीटली इंगेज्ड रहेंगे। बाकी उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की, कि इस सीरीज़ की डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन चाहे मूवी की हो या सीरीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी कंटेंट बनाना हो, चाहे आप यूट्यूब के लिए वीडियो ही क्यों ना बना रहे हो, तो आप लोगों को जो है वो डायरेक्शन, प्रोडक्शन, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक सीरीज़ के लिए, एक मूवी के लिए, एक किसी भी कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी की जो है वो डायरेक्शन को, इस सीरीज़ की डायरेक्शन को संभालते हुए नज़र आएंगे नीरज पांडे और शिवम नैयर। इन्होंने मिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी, तो जी हाँ, इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जिनमें से चंद एक के नेम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने स्पेशल 26, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, एवेनस डे, उसी के साथ साथ बेबी, अय्यारी और उसी के साथ साथ क्रैक, और भी ऐसी मूवीज़ इन्होंने ही दी हैं, जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ हैं एंड आई थिंक आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा देखनी चाहिए। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की, इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया कि इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स कितने हैं, तो टाइम ड्यूरेशन हर एक एपिसोड की कितनी है, तो 30 से 50 मिनट के राउंड अबाउट एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन होगी। डिफरेंट डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम 50 है एंड मिनिमम 30 है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस सीरीज़ की स्टारिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, मैंने ऑलरेडी बता दिया। कंपोज़र में अद्वैत नेमालकर देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ अगर बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो शीतल भाटिया और आप लोगों को यहाँ पर शीतल भाटिया ही प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को सुधीर पलसानी और अरविंद सिंह देखने को मिलेंगे। एडिटिंग की बात करें तो प्रवीण आप लोगों को इस मूवी की, इस सीरीज़ की एडिटिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है। प्रोडक्शन कंपनी में फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये सीज़न डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल किया गया है, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख सकते। वेल, अगर आप लोग भी मेरी तरह बहुत सारी मूवीज़ देख चुके हैं एंड आप लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ को देख लिया है, लेकिन आप लोगों को कोई भी कैटेगरी अच्छी नहीं लगी,
हाँ कुछ कैटेगरीज अच्छी लगी हैं जिनमें थ्रिल का भी नाम आता है। तो हाँ यहाँ पर हम एक ऐसे ही यहाँ पर सीजन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग सीजन्स को भी इन्जॉय करते हैं, क्योंकि जब हम सीजन देखने स्टार्ट कर जाते हैं तो हमारी जो है वो मूवीज़ बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन की लग जाती है कि यार ये तो अभी स्टार्ट हुई एंड दैट्स इट, अभी ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। मुझे भी पता है क्योंकि मैं खुद एक जो है वो सीजन्स का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, मैं वो सीजन्स बहुत ज़्यादा देखता हूँ। तो अगर आप लोग भी मेरी तरह सीजन्स वगैरह देखते हैं तो आप लोगों को भी अभी तक समझ में तो आ गया होगा कि मैं क्यों ये सारी चीज़ें बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम बहुत ही प्यारे सीजन के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। स्पेशल OPS 1.5 द हिम्मत स्टोरी, जी हाँ ये सीज़न है जिसका नेम मैंने आप लोगों के सामने भी लिया, स्पेशल OPS 1.5 ये सीज़न है, जो कि बहुत ही अच्छा सीज़न बनाया गया है। आप लोगों को ये सीज़न कंप्लीट कहाँ पर देखने को मिलेगा इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये किस तरह की यहाँ पर सीज़न बनाया गया है, हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, एंड अभी फाइनली ये हमें कहाँ पर अवेलेबल किया गया है, हिंदी में अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारे सीजन के बारे में जिसका नेम है जी स्पेशल OPS, मींस यहाँ पर स्पेशल OPS 1.5 के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम बात करें कास्टिंग की, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी अच्छी होगी, मूवी में जान होगी। सीरीज़ हो या मूवी, कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेंगे के मैनन, विनय पाठक, आफ्ताब शिद्वासिनी और आदिल खान, परमीत शेट्टी और काली प्रसाद मुखर्जी और ऐश्वर्या सुष्मिता देखने को मिलेंगे। और भी वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं इस सीज़न के अंदर, लेकिन यहाँ पर लीड रोल इन्होंने प्ले किया है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल इन्होंने प्ले किया है। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी जो है वो जेनर क्या है, हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा इस सीज़न के अंदर। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस सीज़न में आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ एक्शन देखने को मिलेगा। तो ये सारा कुछ आप लोगों को इस सीज़न में देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी किया गया है। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इसकी IMDb रेटिंग क्या है एंड उसी के साथ साथ इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग जो है वो है जी 8.3 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी परसेंटेज कितनी है गूगल के यूज़र्स की तरफ से, तो इसे 96% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि ये सीज़न जो है वो कब रिलीज़ किया गया और उसी के साथ साथ ये सीज़न जो है उसके कितने अभी तक सीज़न आ चुके हैं, इस वेब सीरीज़ के कितने सीज़न आ चुके हैं और इसके नंबर ऑफ एपिसोड्स टोटल कितने हैं, कितनी टाइम ड्यूरेशन रखते हैं, तो इन चीज़ों पर हम बात करते हैं। तो अभी तक इसका एक ही सीज़न आया है एंड उसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो 4 एपिसोड हैं, जो कि बहुत ही अच्छे एपिसोड हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली वो देखने चाहिए। अगर आप लोग देखेंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को मज़ा आएगा, आप लोग यहाँ पर कम्प्लीटली इंगेज्ड रहेंगे। बाकी उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की कि इस सीरीज़ की डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन चाहे मूवी की हो या सीरीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी कंटेंट बनाना हो, चाहे आप YouTube के लिए वीडियो ही क्यों ना बना रहे हो, तो आप लोगों को जो है वो डायरेक्शन, प्रोडक्शन, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक सीरीज़ के लिए, एक मूवी के लिए, एक किसी भी कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी की जो है वो डायरेक्शन को, इस सीरीज़ की डायरेक्शन को संभालते हुए नज़र आएंगे नीरज पांडे और शिवम नैयर। इन्होंने मिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी,
तो जी हाँ, इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जिनमें से चंद एक के नेम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने स्पेशल 26, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, एवेनस डे, उसी के साथ साथ बेबी, अय्यारी, और उसी के साथ साथ क्रैक, और भी ऐसी मूवीज़ इन्होंने ही दी हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ हैं, एंड आई थिंक आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा देखनी चाहिए। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की, इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया कि इसके नंबर ऑफ एपिसोड्स कितने हैं, तो टाइम ड्यूरेशन हर एक एपिसोड की कितनी है। तो 30 से 50 मिनट के राउंड अबाउट एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन होगी। डिफरेंट डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम 50 है एंड मिनिमम 30 है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस सीरीज़ की स्टारिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, मैंने ऑलरेडी बता दिया। कंपोज़र में अद्वैत नेमालकर देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ अगर बात करें प्रोड्यूसर्स की तो शीतल भाटिया, और आप लोगों को यहाँ पर शीतल भाटिया ही प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को सुधीर पलसानी और अरविंद सिंह देखने को मिलेंगे। एडिटिंग की बात करें तो प्रवीण आप लोगों को इस मूवी की, इस सीरीज़ की एडिटिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है। प्रोडक्शन कंपनी में फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये सीज़न डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल किया गया है, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख सकते। वेल, अगर आप लोग भी मेरी तरह बहुत सारी मूवीज़ देख चुके हैं एंड आप लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ को देख लिया है, लेकिन आप लोगों को कोई भी कैटेगरी अच्छी नहीं लगी, हाँ कुछ कैटेगरीज़ अच्छी लगी हैं जिनमें थ्रिल का भी नाम आता है, तो हाँ यहाँ पर हम एक ऐसे ही यहाँ पर सीज़न के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग सीजन्स को भी इंजॉय करते हैं, क्योंकि जब हम सीज़न देखने स्टार्ट कर जाते हैं तो हमारी जो है वो मूवीज़ बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन की लगने लग जाती है कि यार ये तो अभी स्टार्ट हुई एंड दैट्स इट, अभी ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ फेस करनी पड़ती है, मुझे भी पता है, क्योंकि मैं ख़ुद एक जो है वो सीजन्स का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, मैं सीजन्स बहुत ज़्यादा देखता हूँ। तो अगर आप लोग भी मेरी तरह सीजन्स वगैरह देखते हैं तो आप लोगों को भी अभी तक समझ में तो आ गया होगा कि मैं क्यों ये सारी चीज़ें बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम बहुत ही प्यारे सीज़न के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। स्पेशल OPS 1.5 द हिम्मत स्टोरी, जी हाँ ये सीज़न है जिसका नेम मैंने आप लोगों के सामने भी लिया, स्पेशल OPS 1.5 ये सीज़न है, जो कि बहुत ही अच्छा सीज़न बनाया गया है। आप लोगों को ये सीज़न कंप्लीट कहाँ पर देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये किस तरह की यहाँ पर सीज़न बनाया गया है, हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, एंड अभी फाइनली ये हमें कहाँ पर अवेलेबल किया गया है, हिंदी में अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा, और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारे सीजन के बारे में, जिसका नेम है जी स्पेशल OPS, मींस यहाँ पर स्पेशल OPS 1.5 के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम बात करें कास्टिंग की, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी अच्छी होगी, मूवी में जान होगी, सीरीज़ हो या मूवी, कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेंगे के मैनन, विनय पाठक, आफ्ताब शिदवासिनी और आदिल खान, परमीत सेट्टी और काली प्रसाद मुखर्जी और ऐश्वर्या सुष्मिता देखने को मिलेंगे। और भी वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं इस सीज़न के अंदर, लेकिन यहाँ पर लीड रोल इन्होंने प्ले किया है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल इन्होंने प्ले किया है। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी जो है वो जेनर क्या है, हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा इस सीज़न के अंदर। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस सीज़न में आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ एक्शन देखने को मिलेगा, तो ये सारा कुछ आप लोगों को इस सीज़न में देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी किया गया है। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इसकी IMDb रेटिंग क्या है एंड उसी के साथ साथ इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया।
तो इस सीजन की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी आईएमडीबी रेटिंग जो है वो है जी 8.3 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी परसेंटेज कितनी है गूगल के यूज़र्स की तरफ से, तो इसे 96% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि ये सीज़न जो है वो कब रिलीज़ किया गया, और उसी के साथ साथ ये सीज़न जो है उसके कितने अभी तक सीज़न आ चुके हैं, इस वेब सीरीज़ के कितने सीज़न आ चुके हैं, और इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स टोटल कितने हैं, कितनी टाइम ड्यूरेशन रखते हैं, तो इन चीज़ों पर हम बात करते हैं। तो अभी तक इसका एक ही सीज़न आया है, एंड उसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो 4 एपिसोड हैं, जो कि बहुत ही अच्छे एपिसोड हैं, एंड आप लोगों को डेफिनेटली वो देखने चाहिए। अगर आप लोग देखेंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को मज़ा आएगा, आप लोग यहाँ पर कम्प्लीटली इंगेज्ड रहेंगे। बाकी उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की, कि इस सीरीज़ की डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन चाहे मूवी की हो या सीरीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी कंटेंट बनाना हो, चाहे आप यूट्यूब के लिए वीडियो ही क्यों ना बना रहे हो, तो आप लोगों को जो है वो डायरेक्शन प्रोडक्शन ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक सीरीज़ के लिए, एक मूवी के लिए, एक किसी भी कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी की जो है वो डायरेक्शन को, इस सीरीज़ की डायरेक्शन को संभालते हुए नज़र आएंगे नीरज पांडे और शिवम नैयर। इन्होंने मिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी, तो जी हाँ, इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जिनमें से चंद के नेम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने स्पेशल 26, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, एवेनस डे, उसी के साथ साथ बेबी, अय्यारी, और उसी के साथ साथ क्रैक, और भी ऐसी मूवीज़ इन्होंने ही दी हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ हैं, एंड आई थिंक आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा देखनी चाहिए। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की, इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया कि इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स कितने हैं, तो टाइम ड्यूरेशन हर एक एपिसोड की कितनी है, तो 30 से 50 मिनट के राउंड अबाउट एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन होगी। डिफरेंट डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम 50 है एंड मिनिमम 30 है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस सीरीज़ की स्टारिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, मैंने ऑलरेडी बता दिया। कंपोज़र में अद्वैत नेमालकर देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ अगर बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो शीतल भाटिया, और आप लोगों को यहाँ पर शीतल भाटिया ही प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को सुधीर पलसानी और अरविंद सिंह देखने को मिलेंगे। एडिटिंग की बात करें तो प्रवीण आप लोगों को इस मूवी की, इस सीरीज़ की एडिटिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है। प्रोडक्शन कंपनी में फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये सीज़न डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल किया गया है, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख सकते। वेल, अगर आप लोग भी मेरी तरह बहुत सारी मूवीज़ देख चुके हैं एंड आप लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ को देख लिया है, लेकिन आप लोगों को कोई भी कैटेगरी अच्छी नहीं लगी, हाँ कुछ कैटेगरीज़ अच्छी लगी हैं जिनमें थ्रिल का भी नाम आता है, तो हाँ यहाँ पर हम एक ऐसे ही यहाँ पर सीज़न के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग सीजन्स को भी इन्जॉय करते हैं, क्योंकि जब हम सीज़न देखने स्टार्ट कर जाते हैं तो हमारी जो है वो मूवीज़ बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन की लगने लग जाती है कि यार ये तो अभी स्टार्ट हुई एंड दैट्स इट, अभी ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ फेस करनी पड़ती है, मुझे भी पता है, क्योंकि मैं ख़ुद एक जो है वो सीजन्स का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, मैं सीजन्स बहुत ज़्यादा देखता हूँ। तो अगर आप लोग भी मेरी तरह सीजन्स वगैरह देखते हैं, तो आप लोगों को भी अभी तक समझ में तो आ गया होगा कि मैं क्यों ये सारी चीज़ें बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम बहुत ही प्यारे सीज़न के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। स्पेशल OPS 1.5 द हिम्मत स्टोरी, जी हाँ, ये सीज़न है जिसका नेम मैंने आप लोगों के सामने भी लिया, स्पेशल OPS 1.5। ये सीज़न है जो कि बहुत ही अच्छा सीज़न बनाया गया है। आप लोगों को ये सीज़न कंप्लीट कहाँ पर देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये किस तरह की यहाँ पर सीज़न बनाया गया है, हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, एंड अभी फाइनली ये हमें कहाँ पर अवेलेबल किया गया है, हिंदी में अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा, और हमारी इस वीडियो को
को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारे सीज़न के बारे में, जिसका नेम है जी स्पेशल OPS, मींस यहाँ पर स्पेशल OPS 1.5 के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम बात करें कास्टिंग की, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी अच्छी होगी, मूवी में जान होगी। सीरीज़ हो या मूवी, कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेंगे के मैनन, विनय पाठक, आफ्ताब शिद्वासिनी और आदिल खान, परमीत शेट्टी और काली प्रसाद मुखर्जी और ऐश्वर्या सुष्मिता देखने को मिलेंगे। और भी वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं इस सीज़न के अंदर, लेकिन यहाँ पर लीड रोल इन्होंने प्ले किया है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल इन्होंने प्ले किया है। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी जो है वो जेनर क्या है, हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा इस सीज़न के अंदर। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस सीज़न में आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ एक्शन देखने को मिलेगा। तो ये सारा कुछ आप लोगों को इस सीज़न में देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी किया गया है। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इसकी IMDB रेटिंग क्या है एंड उसी के साथ साथ इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDB रेटिंग जो है वो है जी 8.3 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी परसेंटेज कितनी है गूगल के यूज़र्स की तरफ से, तो इसे 96% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि ये सीज़न जो है वो कब रिलीज़ किया गया और उसी के साथ साथ ये सीज़न जो है उसके कितने अभी तक सीज़न आ चुके हैं, इस वेब सीरीज़ के कितने सीज़न आ चुके हैं और इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स टोटल कितने हैं, कितनी टाइम ड्यूरेशन रखते हैं, तो इन चीज़ों पर हम बात करते हैं। तो अभी तक इसका एक ही सीज़न आया है एंड उसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो 4 एपिसोड हैं, जो कि बहुत ही अच्छे एपिसोड हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली वो देखने चाहिए। अगर आप लोग देखेंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को मज़ा आएगा, आप लोग यहाँ पर कम्प्लीटली इंगेज्ड रहेंगे। बाकी उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की, कि इस सीरीज़ की डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन चाहे मूवी की हो या सीरीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी कंटेंट बनाना हो, चाहे आप YouTube के लिए वीडियो ही क्यों ना बना रहे हो, तो आप लोगों को जो है वो डायरेक्शन, प्रोडक्शन, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक सीरीज़ के लिए, एक मूवी के लिए, एक किसी भी कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी की जो है वो डायरेक्शन को, इस सीरीज़ की डायरेक्शन को संभालते हुए नज़र आएंगे नीरज पांडे और शिवम नैयर। इन्होंने मिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी, तो जी हाँ, इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जिनमें से चंद एक के नेम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने स्पेशल 26, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, एवेनस डे, उसी के साथ साथ बेबी, अयारी और उसी के साथ साथ क्रैक, और भी ऐसी मूवीज़ इन्होंने ही दी हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ हैं एंड आई थिंक आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा देखनी चाहिए। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की, इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया कि इसके नंबर ऑफ एपिसोड्स कितने हैं, तो टाइम ड्यूरेशन हर एक एपिसोड की कितनी है, तो 30 से 50 मिनट के राउंड अबाउट एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन होगी। डिफरेंट डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम 50 है एंड मिनिमम 30 है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस सीरीज़ की स्टारिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, मैंने ऑलरेडी बता दिया। कंपोज़र में अद्वैत नेमालकर देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ अगर बात करें प्रोड्यूसर्स की तो शीतल भाटिया, और आप लोगों को यहाँ पर शीतल भाटिया ही प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को सुधीर पलसानी और अरविंद सिंह देखने को मिलेंगे। एडिटिंग की बात करें तो प्रवीण आप लोगों को इस मूवी की, इस सीरीज़ की एडिटिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है। प्रोडक्शन कंपनी में फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये सीज़न डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल किया गया है, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख सकते। वेल, अगर आप लोग भी मेरी तरह बहुत सारी मूवीज़ देख चुके हैं एंड आप लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ को देख लिया है, लेकिन आप लोगों को कोई भी कैटेगरी अच्छी नहीं लगी,
हाँ कुछ कैटेगरीज अच्छी लगी हैं जिनमें थ्रिल का भी नाम आता है। तो हाँ यहाँ पर हम एक ऐसे ही यहाँ पर सीजन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग सीजन्स को भी इंजॉय करते हैं, क्योंकि जब हम सीजन देखने स्टार्ट कर जाते हैं तो हमारी जो है वो मूवीज़ बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन की लग जाती है कि यार ये तो अभी स्टार्ट हुई एंड दैट्स इट, अभी ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। मुझे भी पता है क्योंकि मैं खुद एक जो है वो सीजन्स का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, मैं सीजन्स बहुत ज़्यादा देखता हूँ। तो अगर आप लोग भी मेरी तरह सीजन्स वगैरह देखते हैं तो आप लोगों को भी अभी तक समझ में तो आ गया होगा कि मैं क्यों ये सारी चीज़ें बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम बहुत ही प्यारे सीजन के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। स्पेशल OPS 1.5 द हिम्मत स्टोरी, जी हाँ ये सीज़न है जिसका नेम मैंने आप लोगों के सामने भी लिया, स्पेशल OPS 1.5 ये सीज़न है, जो कि बहुत ही अच्छा सीज़न बनाया गया है। आप लोगों को ये सीज़न कंप्लीट कहाँ पर देखने को मिलेगा इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये किस तरह की यहाँ पर सीज़न बनाया गया है, हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, एंड अभी फाइनली ये हमें कहाँ पर अवेलेबल किया गया है, हिंदी में अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारे सीजन के बारे में जिसका नेम है जी स्पेशल OPS, मींस यहाँ पर स्पेशल OPS 1.5 के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम बात करें कास्टिंग की, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी अच्छी होगी, मूवी में जान होगी। सीरीज़ हो या मूवी, कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेंगे के मैनन, विनय पाठक, आफ्ताब शिद्वासिनी और आदिल खान, परमीत सेट्टी और काली प्रसाद मुखर्जी और ऐश्वर्या सुष्मिता देखने को मिलेंगे। और भी वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं इस सीज़न के अंदर, लेकिन यहाँ पर लीड रोल इन्होंने प्ले किया है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल इन्होंने प्ले किया है। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी जो है वो जेनर क्या है, हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा इस सीज़न के अंदर। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस सीज़न में आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ एक्शन देखने को मिलेगा। तो ये सारा कुछ आप लोगों को इस सीज़न में देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी किया गया है। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इसकी IMDB रेटिंग क्या है एंड उसी के साथ साथ इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDB रेटिंग जो है वो है जी 8.3 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी परसेंटेज कितनी है गूगल के यूज़र्स की तरफ से, तो इसे 96% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि ये सीज़न जो है वो कब रिलीज़ किया गया और उसी के साथ साथ ये सीज़न जो है उसके कितने अभी तक सीज़न आ चुके हैं, इस वेब सीरीज़ के कितने सीज़न आ चुके हैं और इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स टोटल कितने हैं, कितनी टाइम ड्यूरेशन रखते हैं, तो इन चीज़ों पर हम बात करते हैं। तो अभी तक इसका एक ही सीज़न आया है एंड उसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो 4 एपिसोड हैं, जो कि बहुत ही अच्छे एपिसोड हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली वो देखने चाहिए। अगर आप लोग देखेंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को मज़ा आएगा, आप लोग यहाँ पर कम्प्लीटली इंगेज रहेंगे। बाकी उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की, कि इस सीरीज़ की डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन चाहे मूवी की हो या सीरीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी कंटेंट बनाना हो, चाहे आप YouTube के लिए वीडियो ही क्यों ना बना रहे हो, तो आप लोगों को जो है वो डायरेक्शन, प्रोडक्शन, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक सीरीज़ के लिए, एक मूवी के लिए, एक किसी भी कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी की जो है वो डायरेक्शन को, इस सीरीज़ की डायरेक्शन को संभालते हुए नज़र आएंगे नीरज पांडे और शिवम नैयर। इन्होंने मिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी,
तो जी हाँ, इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जिनमें से चंद के नेम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने स्पेशल 26, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, एवेनस डे, उसी के साथ साथ बेबी, अय्यारी और उसी के साथ साथ क्रैक, और भी ऐसी मूवीज़ इन्होंने ही दी हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ हैं एंड आई थिंक आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा देखनी चाहिए। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की, इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया कि इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स कितने हैं, तो टाइम ड्यूरेशन हर एक एपिसोड की कितनी है, तो 30 से 50 मिनट के राउंड अबाउट एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन होगी। डिफरेंट डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम 50 है एंड मिनिमम 30 है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस सीरीज़ की स्टारिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, मैंने ऑलरेडी बता दिया। कंपोज़र में अद्वैत नेमालकर देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ अगर बात करें प्रोड्यूसर्स की तो शीतल भाटिया, और आप लोगों को यहाँ पर शीतल भाटिया ही प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को सुधीर पलसानी और अरविंद सिंह देखने को मिलेंगे। एडिटिंग की बात करें तो प्रवीण आप लोगों को इस मूवी की, इस सीरीज़ की एडिटिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है। प्रोडक्शन कंपनी में फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिल जाएंगे, तो ये सीजन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल किया गया है, आप लोग इसे वहां पर जाकर देख सकते हैं। वेल, अगर आप लोग भी मेरी तरह बहुत सारी मूवीज़ देख चुके हैं एंड आप लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज को देख लिया है, लेकिन आप लोगों को कोई भी कैटेगरी अच्छी नहीं लगी, हाँ कुछ कैटेगरीज अच्छी लगी हैं जिनमें थ्रिल का भी नाम आता है, तो हाँ यहाँ पर हम एक ऐसे ही यहाँ पर सीजन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग सीजन्स को भी इन्जॉय करते हैं, क्योंकि जब हम सीज़न देखने स्टार्ट कर जाते हैं तो हमारी जो है वो मूवीज़ बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन की लगने लग जाती है कि यार ये तो अभी स्टार्ट हुई एंड दैट्स इट, अभी ख़त्म हो गई, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। मुझे भी पता है क्योंकि मैं ख़ुद एक जो है वो सीजन्स का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, मैं सीजन्स बहुत ज़्यादा देखता हूँ। तो अगर आप लोग भी मेरी तरह सीजन्स वगैरह देखते हैं तो आप लोगों को भी अभी तक समझ में तो आ गया होगा कि मैं क्यों ये सारी चीज़ें बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम बहुत ही प्यारे सीज़न के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। स्पेशल OPS 1.5 द हिम्मत स्टोरी, जी हाँ ये सीज़न है जिसका नेम मैंने आप लोगों के सामने भी लिया, स्पेशल OPS 1.5 ये सीज़न है, जो कि बहुत ही अच्छा सीज़न बनाया गया है। आप लोगों को ये सीज़न कंप्लीट कहाँ पर देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये किस तरह की यहाँ पर सीज़न बनाया गया है, हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगा एंड अभी फाइनली ये हमें कहाँ पर अवेलेबल किया गया है, हिंदी में अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारे सीजन के बारे में, जिसका नेम है जी स्पेशल OPS, मींस यहाँ पर स्पेशल OPS 1.5 के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम बात करें कास्टिंग की, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए, अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी अच्छी होगी, मूवी में जान होगी, सीरीज़ हो या मूवी, कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेंगे के मैनन, विनय पाठक, आफ्ताब शिदवासिनी और आदिल खान, परमीत शेट्टी और काली प्रसाद मुखर्जी और ऐश्वर्या सुष्मिता देखने को मिलेंगे। और भी वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं इस सीज़न के अंदर, लेकिन यहाँ पर लीड रोल इन्होंने प्ले किया है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल इन्होंने प्ले किया है। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी जो है वो जेनर क्या है, हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा इस सीज़न के अंदर। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस सीज़न में आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ एक्शन देखने को मिलेगा, तो ये सारा कुछ आप लोगों को इस सीज़न में देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी किया गया है। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इसकी IMDb रेटिंग क्या है एंड उसी के साथ साथ इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया।
तो इस सीजन की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग जो है वो है जी 8.3 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी परसेंटेज कितनी है गूगल के यूज़र्स की तरफ से, तो इसे 96% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि ये सीज़न जो है वो कब रिलीज़ किया गया, और उसी के साथ साथ ये सीज़न जो है उसके कितने अभी तक सीज़न आ चुके हैं, इस वेब सीरीज़ के कितने सीज़न आ चुके हैं, और इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स टोटल कितने हैं, कितनी टाइम ड्यूरेशन रखते हैं, तो इन चीज़ों पर हम बात करते हैं। तो अभी तक इसका एक ही सीज़न आया है, एंड उसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो 4 एपिसोड हैं, जो कि बहुत ही अच्छे एपिसोड हैं, एंड आप लोगों को डेफिनेटली वो देखने चाहिए। अगर आप लोग देखेंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को मज़ा आएगा, आप लोग यहाँ पर कम्प्लीटली इंगेज्ड रहेंगे। बाकी उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की, कि इस सीरीज़ की डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन चाहे मूवी की हो या सीरीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी कंटेंट बनाना हो, चाहे आप YouTube के लिए वीडियो ही क्यों ना बना रहे हो, तो आप लोगों को जो है वो डायरेक्शन, प्रोडक्शन, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक सीरीज़ के लिए, एक मूवी के लिए, एक किसी भी कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी की जो है वो डायरेक्शन को, इस सीरीज़ की डायरेक्शन को संभालते हुए नज़र आएंगे नीरज पांडे और शिवम नैयर। इन्होंने मिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी, तो जी हाँ, इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज दी हैं, जिनमें से चंद के नेम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने स्पेशल 26, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, एवेनस डे, उसी के साथ साथ बेबी, अयारी, और उसी के साथ साथ क्रैक, और भी ऐसी मूवीज़ इन्होंने ही दी हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ हैं, एंड आई थिंक आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा देखनी चाहिए। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की, इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया कि इसके नंबर ऑफ एपिसोड्स कितने हैं, तो टाइम ड्यूरेशन हर एक एपिसोड की कितनी है, तो 30 से 50 मिनट के राउंड अबाउट एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन होगी। डिफरेंट डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम 50 है एंड मिनिमम 30 है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस सीरीज़ की स्टारिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, मैंने ऑलरेडी बता दिया। कंपोज़र में अद्वैत नेमालकर देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ अगर बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो शीतल भाटिया, और आप लोगों को यहाँ पर शीतल भाटिया ही प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को सुधीर पलसानी और अरविंद सिंह देखने को मिलेंगे। एडिटिंग की बात करें तो प्रवीण आप लोगों को इस मूवी की, इस सीरीज़ की एडिटिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है। प्रोडक्शन कंपनी में फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये सीज़न डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल किया गया है, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख सकते। वेल, अगर आप लोग भी मेरी तरह बहुत सारी मूवीज़ देख चुके हैं एंड आप लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ को देख लिया है, लेकिन आप लोगों को कोई भी कैटेगरी अच्छी नहीं लगी, हाँ कुछ कैटेगरीज़ अच्छी लगी हैं जिनमें थ्रिल का भी नाम आता है, तो हाँ यहाँ पर हम एक ऐसे ही यहाँ पर सीज़न के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग सीजन्स को भी इंजॉय करते हैं, क्योंकि जब हम सीज़न देखने स्टार्ट कर जाते हैं तो हमारी जो है वो मूवीज़ बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन की लगने लग जाती है कि यार ये तो अभी स्टार्ट हुई एंड दैट्स इट, अभी ख़त्म हो गई, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। मुझे भी पता है, क्योंकि मैं ख़ुद एक जो है वो सीजन्स का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, मैं वो सीजन्स बहुत ज़्यादा देखता हूँ। तो अगर आप लोग भी मेरी तरह सीजन्स वगैरह देखते हैं, तो आप लोगों को भी अभी तक समझ में तो आ गया होगा कि मैं क्यों ये सारी चीज़ें बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम बहुत ही प्यारे सीज़न के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। स्पेशल OPS 1.5 द हिम्मत स्टोरी, जी हाँ, ये सीज़न है जिसका नेम मैंने आप लोगों के सामने भी लिया, स्पेशल OPS 1.5। ये सीज़न है जो कि बहुत ही अच्छा सीज़न बनाया गया है। आप लोगों को ये सीज़न कंप्लीट कहाँ पर देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये किस तरह की यहाँ पर सीज़न बनाया गया है, हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, एंड अभी फाइनली ये हमें कहाँ पर अवेलेबल किया गया है, हिंदी में अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा, और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा,
ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारे सीज़न के बारे में जिसका नेम है जी स्पेशल ओपीएस मींस यहाँ पर स्पेशल ओपीएस 1.5 के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम बात करें कास्टिंग की, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी अच्छी होगी, मूवी में जान होगी। सीरीज़ हो या मूवी, कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेंगे के मैनन, विनय पाठक, आफ्ताब शिद्वासिनी और आदिल खान, परमीत सेट्टी और काली प्रसाद मुखर्जी और ऐश्वर्या सुष्मिता देखने को मिलेंगे। और भी वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं इस सीज़न के अंदर, लेकिन यहाँ पर लीड रोल इन्होंने प्ले किया है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल इन्होंने प्ले किया है। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी जो है वो जेनर क्या है, हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा इस सीज़न के अंदर। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस सीज़न में आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ एक्शन देखने को मिलेगा। तो ये सारा कुछ आप लोगों को इस सीज़न में देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी किया गया है। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इसकी आईएमडीबी रेटिंग क्या है एंड उसी के साथ साथ इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी आईएमडीबी रेटिंग जो है वो है जी 8.3 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी परसेंटेज कितनी है गूगल के यूज़र्स की तरफ से, तो इसे 96% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि ये सीज़न जो है वो कब रिलीज़ किया गया और उसी के साथ साथ ये सीज़न जो है उसके कितने अभी तक सीज़न आ चुके हैं, इस वेब सीरीज़ के कितने सीज़न आ चुके हैं और इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स टोटल कितने हैं, कितनी टाइम ड्यूरेशन रखते हैं, तो इन चीज़ों पर हम बात करते हैं। तो अभी तक इसका एक ही सीज़न आया है एंड उसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो 4 एपिसोड हैं, जो कि बहुत ही अच्छे एपिसोड हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली वो देखने चाहिए। अगर आप लोग देखेंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को मज़ा आएगा, आप लोग यहाँ पर कम्प्लीटली इंगेज्ड रहेंगे। बाकी उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की कि इस सीरीज़ की डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन चाहे मूवी की हो या सीरीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी कंटेंट बनाना हो, चाहे आप YouTube के लिए वीडियो ही क्यों ना बना रहे हो, तो आप लोगों को जो है वो डायरेक्शन, प्रोडक्शन, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक सीरीज़ के लिए, एक मूवी के लिए, एक किसी भी कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी की जो है वो डायरेक्शन को, इस सीरीज़ की डायरेक्शन को संभालते हुए नज़र आएंगे नीरज पांडे और शिवम नैयर। इन्होंने मिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी, तो जी हाँ, इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जिनमें से चंद के नेम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने स्पेशल 26, एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, एवेनस डे, उसी के साथ साथ बेबी, अय्यारी और उसी के साथ साथ क्रैक, और भी ऐसी मूवीज़ इन्होंने ही दी हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ हैं एंड आई थिंक आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा देखनी चाहिए। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की, इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया कि इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स कितने हैं, तो टाइम ड्यूरेशन हर एक एपिसोड की कितनी है, तो 30 से 50 मिनट के राउंड अबाउट एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन होगी। डिफरेंट डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम 50 है एंड मिनिमम 30 है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस सीरीज़ की स्टारिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, मैंने ऑलरेडी बता दिया। कंपोज़र में अद्वैत नेमालकर देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ अगर बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो शीतल भाटिया और आप लोगों को यहाँ पर शीतल भाटिया ही प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को सुधीर पलसानी और अरविंद सिंह देखने को मिलेंगे। एडिटिंग की बात करें तो प्रवीण आप लोगों को इस मूवी की, इस सीरीज़ की एडिटिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है। प्रोडक्शन कंपनी में फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये सीज़न डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल किया गया है, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। वेल, अगर आप लोग भी मेरी तरह बहुत सारी मूवीज़ देख चुके हैं एंड आप लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ को देख लिया है, लेकिन आप लोगों को कोई भी कैटेगरी अच्छी नहीं लगी,
हाँ कुछ कैटेगरीज अच्छी लगी हैं जिनमें थ्रिल का भी नाम आता है। तो हाँ यहाँ पर हम एक ऐसे ही यहाँ पर सीजन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग सीजन्स को भी इन्जॉय करते हैं, क्योंकि जब हम सीजन देखने स्टार्ट कर जाते हैं तो हमारी जो है वो मूवीज़ बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन की लग जाती है कि यार ये तो अभी स्टार्ट हुई एंड दैट्स इट, अभी ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। मुझे भी पता है क्योंकि मैं खुद एक जो है वो सीजन्स का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, मैं वो सीजन्स बहुत ज़्यादा देखता हूँ। तो अगर आप लोग भी मेरी तरह सीजन्स वगैरह देखते हैं तो आप लोगों को भी अभी तक समझ में तो आ गया होगा कि मैं क्यों ये सारी चीज़ें बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम बहुत ही प्यारे सीजन के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। स्पेशल ओपीएस 1.5 द हिम्मत स्टोरी, जी हाँ ये सीज़न है जिसका नेम मैंने आप लोगों के सामने भी लिया, स्पेशल ओपीएस 1.5 ये सीज़न है जो कि बहुत ही अच्छा सीज़न बनाया गया है। आप लोगों को ये सीज़न कंप्लीट कहाँ पर देखने को मिलेगा इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये किस तरह की यहाँ पर सीज़न बनाया गया है, हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, एंड अभी फाइनली ये हमें कहाँ पर अवेलेबल किया गया है, हिंदी में अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारे सीजन के बारे में जिसका नेम है जी स्पेशल ओपीएस, मींस यहाँ पर स्पेशल ओपीएस 1.5 के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम बात करें कास्टिंग की, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी अच्छी होगी, मूवी में जान होगी। सीरीज़ हो या मूवी, कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेंगे के मैनन, विनय पाठक, आफ्ताब शिद्वासिनी और आदिल खान, परमीत शेट्टी और काली प्रसाद मुखर्जी और ऐश्वर्या सुष्मिता देखने को मिलेंगे। और भी वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं इस सीज़न के अंदर, लेकिन यहाँ पर लीड रोल इन्होंने प्ले किया है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल इन्होंने प्ले किया है। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी जो है वो जेनर क्या है, हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा इस सीज़न के अंदर। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस सीज़न में आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ एक्शन देखने को मिलेगा। तो ये सारा कुछ आप लोगों को इस सीज़न में देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी किया गया है। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इसकी आईएमडीबी रेटिंग क्या है एंड उसी के साथ साथ इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी आईएमडीबी रेटिंग जो है वो है जी 8.3 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी परसेंटेज कितनी है गूगल के यूज़र्स की तरफ से, तो इसे 96% तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि ये सीज़न जो है वो कब रिलीज़ किया गया और उसी के साथ साथ ये सीज़न जो है उसके कितने अभी तक सीज़न आ चुके हैं, इस वेब सीरीज़ के कितने सीज़न आ चुके हैं और इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स टोटल कितने हैं, कितनी टाइम ड्यूरेशन रखते हैं, तो इन चीज़ों पर हम बात करते हैं। तो अभी तक इसका एक ही सीज़न आया है एंड उसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो 4 एपिसोड हैं जो कि बहुत ही अच्छे एपिसोड हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली वो देखने चाहिए। अगर आप लोग देखेंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को मज़ा आएगा, आप लोग यहाँ पर कम्प्लीटली इंगेज्ड रहेंगे। बाकी उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की कि इस सीरीज़ की डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन चाहे मूवी की हो या सीरीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी कंटेंट बनाना हो, चाहे आप YouTube के लिए वीडियो ही क्यों ना बना रहे हों, तो आप लोगों को जो है वो डायरेक्शन, प्रोडक्शन, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक सीरीज़ के लिए, एक मूवी के लिए, एक किसी भी कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी की जो है वो डायरेक्शन को, इस सीरीज़ की डायरेक्शन को संभालते हुए नज़र आएंगे नीरज पांडे और शिवम नैयर। इन्होंने मिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी,
तो जी हाँ, इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जिनमें से चंद के नेम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने स्पेशल 26, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, एवेनस डे, उसी के साथ साथ बेबी, अय्यारी, और उसी के साथ साथ क्रैक, और भी ऐसी मूवीज़ इन्होंने ही दी हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ हैं एंड आई थिंक आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा देखनी चाहिए। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की, इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया कि इसके नंबर ऑफ एपिसोड्स कितने हैं, तो टाइम ड्यूरेशन हर एक एपिसोड की कितनी है। तो 30 से 50 मिनट के राउंड अबाउट एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन होगी। डिफरेंट डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम 50 है एंड मिनिमम 30 है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस सीरीज़ की स्टारिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, मैंने ऑलरेडी बता दिया। कंपोज़र में अद्वैत नेमालकर देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ अगर बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो शीतल भाटिया, और आप लोगों को यहाँ पर शीतल भाटिया ही प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को सुधीर पलसानी और अरविंद सिंह देखने को मिलेंगे। एडिटिंग की बात करें तो प्रवीण आप लोगों को इस मूवी की, इस सीरीज़ की एडिटिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है। प्रोडक्शन कंपनी में फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये सीजन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल किया गया है, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख सकते। अगर आप लोग भी मेरी तरह बहुत सारी मूवीज़ देख चुके हैं एंड आप लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ को देख लिया है, लेकिन आप लोगों को कोई भी कैटेगरी अच्छी नहीं लगी, हाँ कुछ कैटेगरीज़ अच्छी लगी हैं जिनमें थ्रिल का भी नाम आता है, तो हाँ यहाँ पर हम एक ऐसे ही यहाँ पर सीज़न के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग सीजन्स को भी इंजॉय करते हैं, क्योंकि जब हम सीज़न देखने स्टार्ट कर जाते हैं तो हमारी जो है वो मूवीज़ बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन की लगने लग जाती है कि यार ये तो अभी स्टार्ट हुई एंड दैट्स इट, अभी ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ फेस करनी पड़ती है, मुझे भी पता है, क्योंकि मैं ख़ुद एक जो है वो सीजन्स का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, मैं सीजन्स बहुत ज़्यादा देखता हूँ। तो अगर आप लोग भी मेरी तरह सीजन्स वगैरह देखते हैं तो आप लोगों को भी अभी तक समझ में तो आ गया होगा कि मैं क्यों ये सारी चीज़ें बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम बहुत ही प्यारे सीज़न के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। स्पेशल OPS 1.5 द हिम्मत स्टोरी, जी हाँ ये सीज़न है जिसका नेम मैंने आप लोगों के सामने भी लिया, स्पेशल OPS 1.5 ये सीज़न है, जो कि बहुत ही अच्छा सीज़न बनाया गया है। आप लोगों को ये सीज़न कंप्लीट कहाँ पर देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये किस तरह की यहाँ पर सीज़न बनाया गया है, हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगा एंड अभी फाइनली ये हमें कहाँ पर अवेलेबल किया गया है, हिंदी में अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारे सीजन के बारे में, जिसका नेम है जी स्पेशल OPS, मींस यहाँ पर स्पेशल OPS 1.5 के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम बात करें कास्टिंग की, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी अच्छी होगी, मूवी में जान होगी, सीरीज़ हो या मूवी, कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेंगे के मैनन, विनय पाठक, आफ्ताब शिद्वासिनी और आदिल खान, परमीत शेट्टी और काली प्रसाद मुखर्जी और ऐश्वर्या सुष्मिता देखने को मिलेंगे। और भी वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं इस सीज़न के अंदर, लेकिन यहाँ पर लीड रोल इन्होंने प्ले किया है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल इन्होंने प्ले किया है। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी जो है वो जेनर क्या है, हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा इस सीज़न के अंदर। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस सीज़न में आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ एक्शन देखने को मिलेगा। तो ये सारा कुछ आप लोगों को इस सीज़न में देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी किया गया है। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इसकी IMDB रेटिंग क्या है एंड उसी के साथ साथ इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया।
तो इस सीजन की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग जो है वो है जी 8.3 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी परसेंटेज कितनी है गूगल के यूज़र्स की तरफ से, तो इसे 96% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि ये सीज़न जो है वो कब रिलीज़ किया गया, और उसी के साथ साथ ये सीज़न जो है उसके कितने अभी तक सीज़न आ चुके हैं, इस वेब सीरीज़ के कितने सीज़न आ चुके हैं, और इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स टोटल कितने हैं, कितनी टाइम ड्यूरेशन रखते हैं, तो इन चीज़ों पर हम बात करते हैं। तो अभी तक इसका एक ही सीज़न आया है, एंड उसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो 4 एपिसोड हैं, जो कि बहुत ही अच्छे एपिसोड हैं, एंड आप लोगों को डेफिनेटली वो देखने चाहिए। अगर आप लोग देखेंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को मज़ा आएगा, आप लोग यहाँ पर कम्प्लीटली इंगेज्ड रहेंगे। बाकी उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की, कि इस सीरीज़ की डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन चाहे मूवी की हो या सीरीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी कंटेंट बनाना हो, चाहे आप YouTube के लिए वीडियो ही क्यों ना बना रहे हो, तो आप लोगों को जो है वो डायरेक्शन, प्रोडक्शन, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक सीरीज़ के लिए, एक मूवी के लिए, एक किसी भी कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी की जो है वो डायरेक्शन को, इस सीरीज़ की डायरेक्शन को संभालते हुए नज़र आएंगे नीरज पांडे और शिवम नैयर। इन्होंने मिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी, तो जी हाँ, इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जिनमें से चंद के नेम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने स्पेशल 26, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, एवेनस डे, उसी के साथ साथ बेबी, अय्यारी, और उसी के साथ साथ क्रैक, और भी ऐसी मूवीज़ इन्होंने ही दी हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ हैं, एंड आई थिंक आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा देखनी चाहिए। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की, इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया कि इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स कितने हैं, तो टाइम ड्यूरेशन हर एक एपिसोड की कितनी है, तो 30 से 50 मिनट के राउंड अबाउट एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन होगी। डिफरेंट डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम 50 है एंड मिनिमम 30 है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस सीरीज़ की स्टारिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, मैंने ऑलरेडी बता दिया। कंपोज़र में अद्वैत नेमालकर देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ अगर बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो शीतल भाटिया, और आप लोगों को यहाँ पर शीतल भाटिया ही प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को सुधीर पलसानी और अरविंद सिंह देखने को मिलेंगे। एडिटिंग की बात करें तो प्रवीण आप लोगों को इस मूवी की, इस सीरीज़ की एडिटिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है। प्रोडक्शन कंपनी में फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये सीज़न डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल किया गया है, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। वेल, अगर आप लोग भी मेरी तरह बहुत सारी मूवीज़ देख चुके हैं एंड आप लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ को देख लिया है, लेकिन आप लोगों को कोई भी कैटेगरी अच्छी नहीं लगी, हाँ कुछ कैटेगरीज़ अच्छी लगी हैं जिनमें थ्रिल का भी नाम आता है, तो हाँ यहाँ पर हम एक ऐसे ही यहाँ पर सीज़न के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग सीजन्स को भी इन्जॉय करते हैं, क्योंकि जब हम सीज़न देखने स्टार्ट कर जाते हैं तो हमारी जो है वो मूवीज़ बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन की लगने लग जाती है कि यार ये तो अभी स्टार्ट हुई एंड दैट्स इट, अभी ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ फेस करनी पड़ती है, मुझे भी पता है, क्योंकि मैं ख़ुद एक जो है वो सीजन्स का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, मैं सीजन्स बहुत ज़्यादा देखता हूँ। तो अगर आप लोग भी मेरी तरह सीजन्स वगैरह देखते हैं, तो आप लोगों को भी अभी तक समझ में तो आ गया होगा कि मैं क्यों ये सारी चीज़ें बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम बहुत ही प्यारे सीज़न के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। स्पेशल OPS 1.5 द हिम्मत स्टोरी, जी हाँ ये सीज़न है जिसका नेम मैंने आप लोगों के सामने भी लिया, स्पेशल OPS 1.5 ये सीज़न है, जो कि बहुत ही अच्छा सीज़न बनाया गया है। आप लोगों को ये सीज़न कंप्लीट कहाँ पर देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये किस तरह की यहाँ पर सीज़न बनाया गया है, हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, एंड अभी फाइनली ये हमें कहाँ पर अवेलेबल किया गया है, हिंदी में अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा, और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा,
ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारे सीजन के बारे में जिसका नेम है जी स्पेशल OPS मीन्स यहाँ पर स्पेशल OPS 1.5 के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम बात करें कास्टिंग की, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी अच्छी होगी, मूवी में जान होगी। सीरीज़ हो या मूवी, कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेंगे के मैनन, विनय पाठक, आफ्ताब शेदवासिनी और आदिल खान, परमीत सेट्टी और काली प्रसाद मुखर्जी और ऐश्वर्या सुष्मिता देखने को मिलेंगे। और भी वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं इस सीज़न के अंदर, लेकिन यहाँ पर लीड रोल इन्होंने प्ले किया है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल इन्होंने प्ले किया है। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी जो है वो जेनर क्या है, हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा इस सीज़न के अंदर। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस सीज़न में आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ एक्शन देखने को मिलेगा। तो ये सारा कुछ आप लोगों को इस सीज़न में देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी किया गया है। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इसकी IMDb रेटिंग क्या है एंड उसी के साथ साथ इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग जो है वो है जी 8.3 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी परसेंटेज कितनी है गूगल के यूज़र्स की तरफ से, तो इसे 96% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि ये सीज़न जो है वो कब रिलीज़ किया गया और उसी के साथ साथ ये सीज़न जो है उसके कितने अभी तक सीज़न आ चुके हैं, इस वेब सीरीज़ के कितने सीज़न आ चुके हैं और इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स टोटल कितने हैं, कितनी टाइम ड्यूरेशन रखते हैं, तो इन चीज़ों पर हम बात करते हैं। तो अभी तक इसका एक ही सीज़न आया है एंड उसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो 4 एपिसोड हैं, जो कि बहुत ही अच्छे एपिसोड हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली वो देखने चाहिए। अगर आप लोग देखेंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को मज़ा आएगा, आप लोग यहाँ पर कम्प्लीटली इंगेज्ड रहेंगे। बाकी उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की कि इस सीरीज़ की डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन चाहे मूवी की हो या सीरीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी कंटेंट बनाना हो, चाहे आप यूट्यूब के लिए वीडियो ही क्यों ना बना रहे हो, तो आप लोगों को जो है वो डायरेक्शन, प्रोडक्शन, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक सीरीज़ के लिए, एक मूवी के लिए, एक किसी भी कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी की जो है वो डायरेक्शन को, इस सीरीज़ की डायरेक्शन को संभालते हुए नज़र आएंगे नीरज पांडे और शिवम नैयर। इन्होंने मिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी, तो जी हाँ, इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जिनमें से चंद एक के नेम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने स्पेशल 26, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, एवेनस डे, उसी के साथ साथ बेबी, अय्यारी और उसी के साथ साथ क्रैक, और भी ऐसी मूवीज़ इन्होंने ही दी हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ हैं एंड आई थिंक आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा देखनी चाहिए। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की, इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया कि इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स कितने हैं, तो टाइम ड्यूरेशन हर एक एपिसोड की कितनी है, तो 30 से 50 मिनट के राउंड अबाउट एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन होगी। डिफरेंट डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम 50 है एंड मिनिमम 30 है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस सीरीज़ की स्टारिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, मैंने ऑलरेडी बता दिया। कंपोज़र में अद्वैत नेमालकर देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ अगर बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो शीतल भाटिया और आप लोगों को यहाँ पर शीतल भाटिया ही प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को सुधीर पलसानी और अरविंद सिंह देखने को मिलेंगे। एडिटिंग की बात करें तो प्रवीण आप लोगों को इस मूवी की, इस सीरीज़ की एडिटिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है। प्रोडक्शन कंपनी में फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये सीज़न डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल किया गया है, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख सकते। वेल, अगर आप लोग भी मेरी तरह बहुत सारी मूवीज़ देख चुके हैं एंड आप लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ को देख लिया है, लेकिन आप लोगों को कोई भी कैटेगरी अच्छी नहीं लगी
हाँ कुछ कैटेगरीज अच्छी लगी हैं जिनमें थ्रिल का भी नाम आता है। तो हाँ यहाँ पर हम एक ऐसे ही यहाँ पर सीजन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग सीजन्स को भी इन्जॉय करते हैं, क्योंकि जब हम सीजन देखने स्टार्ट कर जाते हैं तो हमारी जो है वो मूवीज़ बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन की लग जाती है कि यार ये तो अभी स्टार्ट हुई एंड दैट्स इट, अभी ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। मुझे भी पता है क्योंकि मैं खुद एक जो है वो सीजन्स का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, मैं वो सीजन्स बहुत ज़्यादा देखता हूँ। तो अगर आप लोग भी मेरी तरह सीजन्स वगैरह देखते हैं तो आप लोगों को भी अभी तक समझ में तो आ गया होगा कि मैं क्यों ये सारी चीज़ें बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम बहुत ही प्यारे सीजन के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। स्पेशल OPS 1.5 द हिम्मत स्टोरी, जी हाँ ये सीज़न है जिसका नेम मैंने आप लोगों के सामने भी लिया, स्पेशल OPS 1.5 ये सीज़न है, जो कि बहुत ही अच्छा सीज़न बनाया गया है। आप लोगों को ये सीज़न कंप्लीट कहाँ पर देखने को मिलेगा इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये किस तरह की यहाँ पर सीज़न बनाया गया है, हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, एंड अभी फाइनली ये हमें कहाँ पर अवेलेबल किया गया है, हिंदी में अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारे सीजन के बारे में जिसका नेम है जी स्पेशल OPS, मींस यहाँ पर स्पेशल OPS 1.5 के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम बात करें कास्टिंग की, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी अच्छी होगी, मूवी में जान होगी। सीरीज़ हो या मूवी, कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेंगे के मैनन, विनय पाठक, आफ्ताब शिद्वासिनी और आदिल खान, परमीत शेट्टी और काली प्रसाद मुखर्जी और ऐश्वर्या सुष्मिता देखने को मिलेंगे। और भी वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं इस सीज़न के अंदर, लेकिन यहाँ पर लीड रोल इन्होंने प्ले किया है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल इन्होंने प्ले किया है। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी जो है वो जेनर क्या है, हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा इस सीज़न के अंदर। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस सीज़न में आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ एक्शन देखने को मिलेगा। तो ये सारा कुछ आप लोगों को इस सीज़न में देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी किया गया है। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इसकी IMDb रेटिंग क्या है एंड उसी के साथ साथ इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग जो है वो है जी 8.3 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी परसेंटेज कितनी है गूगल के यूज़र्स की तरफ से, तो इसे 96% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि ये सीज़न जो है वो कब रिलीज़ किया गया और उसी के साथ साथ ये सीज़न जो है उसके कितने अभी तक सीज़न आ चुके हैं, इस वेब सीरीज़ के कितने सीज़न आ चुके हैं और इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स टोटल कितने हैं, कितनी टाइम ड्यूरेशन रखते हैं, तो इन चीज़ों पर हम बात करते हैं। तो अभी तक इसका एक ही सीज़न आया है एंड उसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो 4 एपिसोड हैं, जो कि बहुत ही अच्छे एपिसोड हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली वो देखने चाहिए। अगर आप लोग देखेंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को मज़ा आएगा, आप लोग यहाँ पर कम्प्लीटली इंगेज्ड रहेंगे। बाकी उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की, कि इस सीरीज़ की डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन चाहे मूवी की हो या सीरीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी कंटेंट बनाना हो, चाहे आप YouTube के लिए वीडियो ही क्यों ना बना रहे हो, तो आप लोगों को जो है वो डायरेक्शन, प्रोडक्शन, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक सीरीज़ के लिए, एक मूवी के लिए, एक किसी भी कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी की जो है वो डायरेक्शन को, इस सीरीज़ की डायरेक्शन को संभालते हुए नज़र आएंगे नीरज पांडे और शिवम नैयर। इन्होंने मिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी,
तो जी हाँ, इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जिनमें से चंद एक के नेम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने स्पेशल 26, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, एवेनस डे, उसी के साथ साथ बेबी, अय्यारी, और उसी के साथ साथ क्रैक, और भी ऐसी मूवीज़ इन्होंने ही दी हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ हैं, एंड आई थिंक आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा देखनी चाहिए। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की, इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया कि इसके नंबर ऑफ एपिसोड्स कितने हैं, तो टाइम ड्यूरेशन हर एक एपिसोड की कितनी है, तो 30 से 50 मिनट के राउंड अबाउट एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन होगी। डिफरेंट डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम 50 है एंड मिनिमम 30 है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस सीरीज़ की स्टारिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, मैंने ऑलरेडी बता दिया। कंपोज़र में अद्वैत नेमालकर देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ अगर बात करें प्रोड्यूसर्स की तो शीतल भाटिया, और आप लोगों को यहाँ पर शीतल भाटिया ही प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को सुधीर पलसानी और अरविंद सिंह देखने को मिलेंगे। एडिटिंग की बात करें तो प्रवीण आप लोगों को इस मूवी की, इस सीरीज़ की एडिटिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है। प्रोडक्शन कंपनी में फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिल जाएंगे, तो ये सीजन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल किया गया है, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। वेल, अगर आप लोग भी मेरी तरह बहुत सारी मूवीज़ देख चुके हैं एंड आप लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ को देख लिया है, लेकिन आप लोगों को कोई भी कैटेगरी अच्छी नहीं लगी, हाँ कुछ कैटेगरीज़ अच्छी लगी हैं जिनमें थ्रिल का भी नाम आता है, तो हाँ यहाँ पर हम एक ऐसे ही यहाँ पर सीज़न के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग सीजन्स को भी इंजॉय करते हैं, क्योंकि जब हम सीज़न देखने स्टार्ट कर जाते हैं तो हमारी जो है वो मूवीज़ बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन की लगने लग जाती है कि यार ये तो अभी स्टार्ट हुई एंड दैट्स इट, अभी ख़त्म हो गई, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। मुझे भी पता है क्योंकि मैं ख़ुद एक जो है वो सीजन्स का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, मैं सीजन्स बहुत ज़्यादा देखता हूँ। तो अगर आप लोग भी मेरी तरह सीजन्स वगैरह देखते हैं तो आप लोगों को भी अभी तक समझ में तो आ गया होगा कि मैं क्यों ये सारी चीज़ें बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम बहुत ही प्यारे सीज़न के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। स्पेशल OPS 1.5 द हिम्मत स्टोरी, जी हाँ ये सीज़न है जिसका नेम मैंने आप लोगों के सामने भी लिया, स्पेशल OPS 1.5 ये सीज़न है, जो कि बहुत ही अच्छा सीज़न बनाया गया है। आप लोगों को ये सीज़न कंप्लीट कहाँ पर देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये किस तरह की यहाँ पर सीज़न बनाया गया है, हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, एंड अभी फाइनली ये हमें कहाँ पर अवेलेबल किया गया है, हिंदी में अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा, और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारे सीजन के बारे में, जिसका नेम है जी स्पेशल OPS, मींस यहाँ पर स्पेशल OPS 1.5 के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम बात करें कास्टिंग की, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए, अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी अच्छी होगी, मूवी में जान होगी, सीरीज़ हो या मूवी, कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेंगे के मैनन, विनय पाठक, आफ्ताब शिदवासिनी और आदिल खान, परमीत सेट्टी और काली प्रसाद मुखर्जी और ऐश्वर्या सुष्मिता देखने को मिलेंगे। और भी वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं इस सीज़न के अंदर, लेकिन यहाँ पर लीड रोल इन्होंने प्ले किया है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल इन्होंने प्ले किया है। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी जो है वो जेनर क्या है, हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा इस सीज़न के अंदर। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस सीज़न में आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ एक्शन देखने को मिलेगा, तो ये सारा कुछ आप लोगों को इस सीज़न में देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी किया गया है। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इसकी IMDb रेटिंग क्या है एंड उसी के साथ साथ इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया।
तो इस सीजन की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी आईएमडीबी रेटिंग जो है वो है जी 8.3 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी परसेंटेज कितनी है गूगल के यूज़र्स की तरफ से, तो इसे 96% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि ये सीज़न जो है वो कब रिलीज़ किया गया, और उसी के साथ साथ ये सीज़न जो है उसके कितने अभी तक सीज़न आ चुके हैं, इस वेब सीरीज़ के कितने सीज़न आ चुके हैं, और इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स टोटल कितने हैं, कितनी टाइम ड्यूरेशन रखते हैं, तो इन चीज़ों पर हम बात करते हैं। तो अभी तक इसका एक ही सीज़न आया है, एंड उसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो 4 एपिसोड हैं, जो कि बहुत ही अच्छे एपिसोड हैं, एंड आप लोगों को डेफिनेटली वो देखने चाहिए। अगर आप लोग देखेंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को मज़ा आएगा, आप लोग यहाँ पर कम्प्लीटली इंगेज्ड रहेंगे। बाकी उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की, कि इस सीरीज़ की डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन चाहे मूवी की हो या सीरीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी कंटेंट बनाना हो, चाहे आप यूट्यूब के लिए वीडियो ही क्यों ना बना रहे हो, तो आप लोगों को जो है वो डायरेक्शन प्रोडक्शन ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक सीरीज़ के लिए, एक मूवी के लिए, एक किसी भी कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी की जो है वो डायरेक्शन को, इस सीरीज़ की डायरेक्शन को संभालते हुए नज़र आएंगे नीरज पांडे और शिवम नैयर। इन्होंने मिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी, तो जी हाँ, इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जिनमें से चंद के नेम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने स्पेशल 26, एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, एवेनस डे, उसी के साथ साथ बेबी, अय्यारी, और उसी के साथ साथ क्रैक, और भी ऐसी मूवीज़ इन्होंने ही दी हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ हैं, एंड आई थिंक आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा देखनी चाहिए। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की, इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया कि इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स कितने हैं, तो टाइम ड्यूरेशन हर एक एपिसोड की कितनी है, तो 30 से 50 मिनट के राउंड अबाउट एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन होगी। डिफरेंट डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम 50 है एंड मिनिमम 30 है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस सीरीज़ की स्टारिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, मैंने ऑलरेडी बता दिया। कंपोज़र में अद्वैत नेमालकर देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ अगर बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो शीतल भाटिया, और आप लोगों को यहाँ पर शीतल भाटिया ही प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को सुधीर पलसानी और अरविंद सिंह देखने को मिलेंगे। एडिटिंग की बात करें तो प्रवीण आप लोगों को इस मूवी की, इस सीरीज़ की एडिटिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है। प्रोडक्शन कंपनी में फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये सीज़न डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल किया गया है, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख सकते। वेल, अगर आप लोग भी मेरी तरह बहुत सारी मूवीज़ देख चुके हैं एंड आप लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ को देख लिया है, लेकिन आप लोगों को कोई भी कैटेगरी अच्छी नहीं लगी, हाँ कुछ कैटेगरीज़ अच्छी लगी हैं जिनमें थ्रिल का भी नाम आता है, तो हाँ यहाँ पर हम एक ऐसे ही यहाँ पर सीज़न के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग सीजन्स को भी इन्जॉय करते हैं, क्योंकि जब हम सीज़न देखने स्टार्ट कर जाते हैं तो हमारी जो है वो मूवीज़ बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन की लगने लग जाती है कि यार ये तो अभी स्टार्ट हुई एंड दैट्स इट, अभी ख़त्म हो गई, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। मुझे भी पता है, क्योंकि मैं ख़ुद एक जो है वो सीजन्स का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, मैं सीजन्स बहुत ज़्यादा देखता हूँ। तो अगर आप लोग भी मेरी तरह सीजन्स वगैरह देखते हैं, तो आप लोगों को भी अभी तक समझ में तो आ गया होगा कि मैं क्यों ये सारी चीज़ें बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम बहुत ही प्यारे सीज़न के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। स्पेशल OPS 1.5 द हिम्मत स्टोरी, जी हाँ ये सीज़न है जिसका नेम मैंने आप लोगों के सामने भी लिया, स्पेशल OPS 1.5 ये सीज़न है, जो कि बहुत ही अच्छा सीज़न बनाया गया है। आप लोगों को ये सीज़न कंप्लीट कहाँ पर देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये किस तरह की यहाँ पर सीज़न बनाया गया है, हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, एंड अभी फाइनली ये हमें कहाँ पर अवेलेबल किया गया है, हिंदी में अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में
में यहाँ पर हम बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारे सीज़न के बारे में, जिसका नेम है जी स्पेशल ओपीएस मींस यहाँ पर स्पेशल ओपीएस 1.5 के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम बात करें कास्टिंग की, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी अच्छी होगी, मूवी में जान होगी। सीरीज़ हो या मूवी, कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेंगे के मैनन, विनय पाठक, आफ्ताब शिद्वासिनी और आदिल खान, परमीत शेट्टी और काली प्रसाद मुखर्जी और ऐश्वर्या सुष्मिता देखने को मिलेंगे। और भी वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं इस सीज़न के अंदर, लेकिन यहाँ पर लीड रोल इन्होंने प्ले किया है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल इन्होंने प्ले किया है। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी जो है वो जेनर क्या है, हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा इस सीज़न के अंदर। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस सीज़न में आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ एक्शन देखने को मिलेगा। तो ये सारा कुछ आप लोगों को इस सीज़न में देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी किया गया है। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इसकी आईएमडीबी रेटिंग क्या है एंड उसी के साथ साथ इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी आईएमडीबी रेटिंग जो है वो है जी 8.3 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी परसेंटेज कितनी है गूगल के यूज़र्स की तरफ से, तो इसे 96% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि ये सीज़न जो है वो कब रिलीज़ किया गया और उसी के साथ साथ ये सीज़न जो है उसके कितने अभी तक सीज़न आ चुके हैं, इस वेब सीरीज़ के कितने सीज़न आ चुके हैं और इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स टोटल कितने हैं, कितनी टाइम ड्यूरेशन रखते हैं, तो इन चीज़ों पर हम बात करते हैं। तो अभी तक इसका एक ही सीज़न आया है एंड उसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो 4 एपिसोड हैं, जो कि बहुत ही अच्छे एपिसोड हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली वो देखने चाहिए। अगर आप लोग देखेंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को मज़ा आएगा, आप लोग यहाँ पर कम्प्लीटली इंगेज्ड रहेंगे। बाकी उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की, कि इस सीरीज़ की डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन चाहे मूवी की हो या सीरीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी कंटेंट बनाना हो, चाहे आप YouTube के लिए वीडियो ही क्यों ना बना रहे हो, तो आप लोगों को जो है वो डायरेक्शन, प्रोडक्शन, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक सीरीज़ के लिए, एक मूवी के लिए, एक किसी भी कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी की जो है वो डायरेक्शन को, इस सीरीज़ की डायरेक्शन को संभालते हुए नज़र आएंगे नीरज पांडे और शिवम नैयर। इन्होंने मिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी, तो जी हाँ, इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जिनमें से चंद एक के नेम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने स्पेशल 26, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, एवेनस डे, उसी के साथ साथ बेबी, अयारी और उसी के साथ साथ क्रैक, और भी ऐसी मूवीज़ इन्होंने ही दी हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ हैं एंड आई थिंक आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा देखनी चाहिए। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की, इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया कि इसके नंबर ऑफ एपिसोड्स कितने हैं, तो टाइम ड्यूरेशन हर एक एपिसोड की कितनी है, तो 30 से 50 मिनट के राउंड अबाउट एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन होगी। डिफरेंट डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम 50 है एंड मिनिमम 30 है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस सीरीज़ की स्टारिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, मैंने ऑलरेडी बता दिया। कंपोज़र में अद्वैत नेमालकर देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ अगर बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो शीतल भाटिया, और आप लोगों को यहाँ पर शीतल भाटिया ही प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को सुधीर पलसानी और अरविंद सिंह देखने को मिलेंगे। एडिटिंग की बात करें तो प्रवीण आप लोगों को इस मूवी की, इस सीरीज़ की एडिटिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है। प्रोडक्शन कंपनी में फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये सीज़न डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल किया गया है, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख सकते हैं।
वेल, अगर आप लोग भी मेरी तरह बहुत सारी मूवीज़ देख चुके हैं एंड आप लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज को देख लिया है, लेकिन आप लोगों को कोई भी कैटेगरी अच्छी नहीं लगी, हाँ कुछ कैटेगरीज अच्छी लगी हैं जिनमें थ्रिल का भी नाम आता है, तो हाँ यहाँ पर हम एक ऐसे ही यहाँ पर सीज़न के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग सीजन्स को भी इंजॉय करते हैं, क्योंकि जब हम सीज़न देखने स्टार्ट कर जाते हैं तो हमारी जो है वो मूवीज़ बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन की लग जाती है कि यार ये तो अभी स्टार्ट हुई एंड दैट्स इट, अभी ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ फेस करनी पड़ती है, मुझे भी पता है क्योंकि मैं खुद एक जो है वो सीजन्स का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, मैं सीजन्स बहुत ज़्यादा देखता हूँ। तो अगर आप लोग भी मेरी तरह सीजन्स वगैरह देखते हैं तो आप लोगों को भी अभी तक समझ में तो आ गया होगा कि मैं क्यों ये सारी चीज़ें बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम बहुत ही प्यारे सीज़न के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, स्पेशल OPS 1.5 द हिम्मत स्टोरी। जी हाँ, ये सीज़न है जिसका नेम मैंने आप लोगों के सामने भी लिया, स्पेशल OPS 1.5। ये सीज़न है जो कि बहुत ही अच्छा सीज़न बनाया गया है। आप लोगों को ये सीज़न कंप्लीट कहाँ पर देखने को मिलेगा इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये किस तरह की यहाँ पर सीज़न बनाया गया है, हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगा एंड अभी फाइनली ये हमें कहाँ पर अवेलेबल किया गया है, हिंदी में अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारे सीजन के बारे में जिसका नेम है जी स्पेशल OPS, मींस यहाँ पर स्पेशल OPS 1.5 के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम बात करें कास्टिंग की, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी अच्छी होगी, मूवी में जान होगी, सीरीज़ हो या मूवी, कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेंगे के मैनन, विनय पाठक, आफ्ताब शिद्वासिनी और आदिल खान, परमीत सेट्टी और काली प्रसाद मुखर्जी और ऐश्वर्या सुष्मिता देखने को मिलेंगे। और भी वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं इस सीज़न के अंदर, लेकिन यहाँ पर लीड रोल इन्होंने प्ले किया है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल इन्होंने प्ले किया है। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी जो है वो जेनर क्या है, हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा इस सीज़न के अंदर। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस सीज़न में आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ एक्शन देखने को मिलेगा। तो ये सारा कुछ आप लोगों को इस सीज़न में देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी किया गया है। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इसकी IMDB रेटिंग क्या है एंड उसी के साथ साथ इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDB रेटिंग जो है वो है जी 8.3 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी परसेंटेज कितनी है गूगल के यूज़र्स की तरफ से, तो इसे 96% तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि ये सीज़न जो है वो कब रिलीज़ किया गया और उसी के साथ साथ ये सीज़न जो है उसके कितने अभी तक सीज़न आ चुके हैं, इस वेब सीरीज़ के कितने सीज़न आ चुके हैं और इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स टोटल कितने हैं, कितनी टाइम ड्यूरेशन रखते हैं, तो इन चीज़ों पर हम बात करते हैं। तो अभी तक इसका एक ही सीज़न आया है एंड उसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो 4 एपिसोड हैं जो कि बहुत ही अच्छे एपिसोड हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली वो देखने चाहिए। अगर आप लोग देखेंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को मज़ा आएगा, आप लोग यहाँ पर कम्प्लीटली इंगेज्ड रहेंगे। बाकी उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की कि इस सीरीज़ की डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन चाहे मूवी की हो या सीरीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी कंटेंट बनाना हो, चाहे आप YouTube के लिए वीडियो ही क्यों ना बना रहे हो, तो आप लोगों को जो है वो डायरेक्शन, प्रोडक्शन, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक सीरीज़ के लिए, एक मूवी के लिए, एक किसी भी कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी की जो है वो डायरेक्शन को, इस सीरीज़ की डायरेक्शन को संभालते हुए नज़र आएंगे नीरज पांडे और शिवम नैयर। इन्होंने मिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है एंड अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने पास्ट
में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी। तो जी हाँ, इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जिनमें से चंद के नेम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने स्पेशल 26, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, एवेंस डे, उसी के साथ साथ बेबी, अय्यारी और उसी के साथ साथ क्रैक, और भी ऐसी मूवीज़ इन्होंने ही दी हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ हैं एंड आई थिंक आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा देखनी चाहिए। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की, इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया कि इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स कितने हैं, तो टाइम ड्यूरेशन हर एक एपिसोड की कितनी है। तो 30 से 50 मिनट के राउंड अबाउट एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन होगी। डिफरेंट डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम 50 है एंड मिनिमम 30 है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस सीरीज़ की स्टारिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, मैंने ऑलरेडी बता दिया। कंपोज़र में अद्वैत नेमालकर देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ अगर बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो शीतल भाटिया, और आप लोगों को यहाँ पर शीतल भाटिया ही प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को सुधीर पलसानी और अरविंद सिंह देखने को मिलेंगे। एडिटिंग की बात करें तो प्रवीण आप लोगों को इस मूवी की, इस सीरीज़ की एडिटिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है। प्रोडक्शन कंपनी में फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये सीज़न डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल किया गया है, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख सकते। वेल, अगर आप लोग भी मेरी तरह बहुत सारी मूवीज़ देख चुके हैं एंड आप लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ को देख लिया है, लेकिन आप लोगों को कोई भी कैटेगरी अच्छी नहीं लगी, हाँ कुछ कैटेगरीज़ अच्छी लगी हैं जिनमें थ्रिल का भी नाम आता है, तो हाँ यहाँ पर हम एक ऐसे ही यहाँ पर सीज़न के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग सीजन्स को भी इन्जॉय करते हैं, क्योंकि जब हम सीज़न देखने स्टार्ट कर जाते हैं तो हमारी जो है वो मूवीज़ बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन की लगने लग जाती है कि यार ये तो अभी स्टार्ट हुई एंड दैट्स इट, अभी ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ फेस करनी पड़ती है, मुझे भी पता है, क्योंकि मैं ख़ुद एक जो है वो सीजन्स का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, मैं सीजन्स बहुत ज़्यादा देखता हूँ। तो अगर आप लोग भी मेरी तरह सीजन्स वगैरह देखते हैं तो आप लोगों को भी अभी तक समझ में तो आ गया होगा कि मैं क्यों ये सारी चीज़ें बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम बहुत ही प्यारे सीज़न के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। स्पेशल OPS 1.5 द हिम्मत स्टोरी, जी हाँ ये सीज़न है जिसका नेम मैंने आप लोगों के सामने भी लिया, स्पेशल OPS 1.5 ये सीज़न है, जो कि बहुत ही अच्छा सीज़न बनाया गया है। आप लोगों को ये सीज़न कंप्लीट कहाँ पर देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये किस तरह की यहाँ पर सीज़न बनाया गया है, हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगा एंड अभी फाइनली ये हमें कहाँ पर अवेलेबल किया गया है, हिंदी में अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारे सीज़न के बारे में, जिसका नेम है जी स्पेशल OPS, मींस यहाँ पर स्पेशल OPS 1.5 के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम बात करें कास्टिंग की, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी अच्छी होगी, मूवी में जान होगी, सीरीज़ हो या मूवी, कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेंगे के मैनन, विनय पाठक, आफ्ताब शिद्वासिनी और आदिल खान, परमीत शेट्टी और काली प्रसाद मुखर्जी और ऐश्वर्या सुष्मिता देखने को मिलेंगे। और भी वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं इस सीज़न के अंदर, लेकिन यहाँ पर लीड रोल इन्होंने प्ले किया है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल इन्होंने प्ले किया है। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी जो है वो जेनर क्या है, हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा इस सीज़न के अंदर। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस सीज़न में आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ एक्शन देखने को मिलेगा। तो ये सारा कुछ आप लोगों को इस सीज़न में देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी किया गया है। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इसकी IMDb रेटिंग क्या है एंड उसी के साथ साथ इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया।
तो इस सीजन की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग जो है वो है जी 8.3 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी परसेंटेज कितनी है गूगल के यूज़र्स की तरफ से, तो इसे 96% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि ये सीज़न जो है वो कब रिलीज़ किया गया, और उसी के साथ साथ ये सीज़न जो है उसके कितने अभी तक सीज़न आ चुके हैं, इस वेब सीरीज़ के कितने सीज़न आ चुके हैं, और इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स टोटल कितने हैं, कितनी टाइम ड्यूरेशन रखते हैं, तो इन चीज़ों पर हम बात करते हैं। तो अभी तक इसका एक ही सीज़न आया है, एंड उसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो 4 एपिसोड हैं, जो कि बहुत ही अच्छे एपिसोड हैं, एंड आप लोगों को डेफिनेटली वो देखने चाहिए। अगर आप लोग देखेंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को मज़ा आएगा, आप लोग यहाँ पर कम्प्लीटली इंगेज्ड रहेंगे। बाकी उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की, कि इस सीरीज़ की डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन चाहे मूवी की हो या सीरीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी कंटेंट बनाना हो, चाहे आप YouTube के लिए वीडियो ही क्यों ना बना रहे हों, तो आप लोगों को जो है वो डायरेक्शन प्रोडक्शन ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक सीरीज़ के लिए, एक मूवी के लिए, एक किसी भी कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी की जो है वो डायरेक्शन को, इस सीरीज़ की डायरेक्शन को संभालते हुए नज़र आएंगे नीरज पांडे और शिवम नैयर। इन्होंने मिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी, तो जी हाँ, इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जिनमें से चंद एक के नेम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने स्पेशल 26, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, एवेनस डे, उसी के साथ साथ बेबी, अय्यारी, और उसी के साथ साथ क्रैक, और भी ऐसी मूवीज़ इन्होंने ही दी हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ हैं, एंड आई थिंक आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा देखनी चाहिए। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की, इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया कि इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स कितने हैं, तो टाइम ड्यूरेशन हर एक एपिसोड की कितनी है, तो 30 से 50 मिनट के राउंड अबाउट एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन होगी। डिफरेंट डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम 50 है एंड मिनिमम 30 है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस सीरीज़ की स्टारिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, मैंने ऑलरेडी बता दिया। कंपोज़र में अद्वैत नेमालकर देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ अगर बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो शीतल भाटिया, और आप लोगों को यहाँ पर शीतल भाटिया ही प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को सुधीर पलसानी और अरविंद सिंह देखने को मिलेंगे। एडिटिंग की बात करें तो प्रवीण आप लोगों को इस मूवी की, इस सीरीज़ की एडिटिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है। प्रोडक्शन कंपनी में फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये सीज़न डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल किया गया है, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख सकते। वेल, अगर आप लोग भी मेरी तरह बहुत सारी मूवीज़ देख चुके हैं एंड आप लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ को देख लिया है, लेकिन आप लोगों को कोई भी कैटेगरी अच्छी नहीं लगी, हाँ कुछ कैटेगरीज़ अच्छी लगी हैं जिनमें थ्रिल का भी नाम आता है, तो हाँ यहाँ पर हम एक ऐसे ही यहाँ पर सीज़न के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग सीजन्स को भी इंजॉय करते हैं, क्योंकि जब हम सीज़न देखने स्टार्ट कर जाते हैं तो हमारी जो है वो मूवीज़ बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन की लगने लग जाती है कि यार ये तो अभी स्टार्ट हुई एंड दैट्स इट, अभी ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ फेस करनी पड़ती है, मुझे भी पता है, क्योंकि मैं ख़ुद एक जो है वो सीजन्स का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, मैं सीजन्स बहुत ज़्यादा देखता हूँ। तो अगर आप लोग भी मेरी तरह सीजन्स वगैरह देखते हैं, तो आप लोगों को भी अभी तक समझ में तो आ गया होगा कि मैं क्यों ये सारी चीज़ें बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम बहुत ही प्यारे सीज़न के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। स्पेशल OPS 1.5 द हिम्मत स्टोरी, जी हाँ, ये सीज़न है जिसका नेम मैंने आप लोगों के सामने भी लिया, स्पेशल OPS 1.5 ये सीज़न है, जो कि बहुत ही अच्छा सीज़न बनाया गया है। आप लोगों को ये सीज़न कंप्लीट कहाँ पर देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये किस तरह की यहाँ पर सीज़न बनाया गया है, हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, एंड अभी फाइनली ये हमें कहाँ पर अवेलेबल किया गया है, हिंदी में अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में
में, जहाँ पर हम बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारे सीज़न के बारे में, जिसका नेम है जी स्पेशल ओपीएस, मींस यहाँ पर स्पेशल ओपीएस 1.5 के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम बात करें कास्टिंग की, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी अच्छी होगी, मूवी में जान होगी। सीरीज़ हो या मूवी, कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेंगे के मैनन, विनय पाठक, आफ्ताब शिद्वासिनी और आदिल खान, परमीत सेट्टी और काली प्रसाद मुखर्जी और ऐश्वर्या सुष्मिता देखने को मिलेंगे। और भी वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं इस सीज़न के अंदर, लेकिन यहाँ पर लीड रोल इन्होंने प्ले किया है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल इन्होंने प्ले किया है। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी जो है वो जेनर क्या है, हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा इस सीज़न के अंदर। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस सीज़न में आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ एक्शन देखने को मिलेगा। तो ये सारा कुछ आप लोगों को इस सीज़न में देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी किया गया है। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इसकी आईएमडीबी रेटिंग क्या है एंड उसी के साथ साथ इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी आईएमडीबी रेटिंग जो है वो है जी 8.3 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी परसेंटेज कितनी है गूगल के यूज़र्स की तरफ से, तो इसे 96% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि ये सीज़न जो है वो कब रिलीज़ किया गया और उसी के साथ साथ ये सीज़न जो है उसके कितने अभी तक सीज़न आ चुके हैं, इस वेब सीरीज़ के कितने सीज़न आ चुके हैं और इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स टोटल कितने हैं, कितनी टाइम ड्यूरेशन रखते हैं, तो इन चीज़ों पर हम बात करते हैं। तो अभी तक इसका एक ही सीज़न आया है एंड उसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो 4 एपिसोड हैं, जो कि बहुत ही अच्छे एपिसोड हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली वो देखने चाहिए। अगर आप लोग देखेंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को मज़ा आएगा, आप लोग यहाँ पर कम्प्लीटली इंगेज्ड रहेंगे। बाकी उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की, कि इस सीरीज़ की डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन चाहे मूवी की हो या सीरीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी कंटेंट बनाना हो, चाहे आप YouTube के लिए वीडियो ही क्यों ना बना रहे हो, तो आप लोगों को जो है वो डायरेक्शन, प्रोडक्शन, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक सीरीज़ के लिए, एक मूवी के लिए, एक किसी भी कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी की जो है वो डायरेक्शन को, इस सीरीज़ की डायरेक्शन को संभालते हुए नज़र आएंगे नीरज पांडे और शिवम नैयर। इन्होंने मिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है एंड अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी, तो जी हाँ, इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जिनमें से चंद के नेम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने स्पेशल 26, एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, एवेनस डे, उसी के साथ साथ बेबी, अयारी और उसी के साथ साथ क्रैक, और भी ऐसी मूवीज़ इन्होंने ही दी हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ हैं एंड आई थिंक आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा देखनी चाहिए। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की, इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया कि इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स कितने हैं, तो टाइम ड्यूरेशन हर एक एपिसोड की कितनी है, तो 30 से 50 मिनट के राउंड अबाउट एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन होगी। डिफरेंट डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम 50 है एंड मिनिमम 30 है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस सीरीज़ की स्टारिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, मैंने ऑलरेडी बता दिया। कंपोज़र में अद्वैत नेमालकर देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ अगर बात करें प्रोड्यूसर्स की तो शीतल भाटिया, और आप लोगों को यहाँ पर शीतल भाटिया ही प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को सुधीर पलसानी और अरविंद सिंह देखने को मिलेंगे। एडिटिंग की बात करें तो प्रवीण आप लोगों को इस मूवी की, इस सीरीज़ की एडिटिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है। प्रोडक्शन कंपनी में फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये सीज़न डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल किया गया है, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख सकते।
अगर आप लोग भी मेरी तरह बहुत सारी मूवीज़ देख चुके हैं एंड आप लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ को देख लिया है, लेकिन आप लोगों को कोई भी कैटेगरी अच्छी नहीं लगी। हाँ, कुछ कैटेगरीज अच्छी लगी हैं जिनमें थ्रिल का भी नाम आता है। तो हाँ, यहाँ पर हम एक ऐसे ही यहाँ पर सीजन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग सीजन्स को भी इंजॉय करते हैं, क्योंकि जब हम सीजन देखने स्टार्ट कर जाते हैं तो हमारी जो है वो मूवीज़ बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन की लग जाती है कि यार ये तो अभी स्टार्ट हुई एंड दैट्स इट, अभी ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। मुझे भी पता है, क्योंकि मैं खुद एक जो है वो सीजन्स का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, मैं सीजन्स बहुत ज़्यादा देखता हूँ। तो अगर आप लोग भी मेरी तरह सीजन्स वगैरह देखते हैं तो आप लोगों को भी अभी तक समझ में तो आ गया होगा कि मैं क्यों ये सारी चीज़ें बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम बहुत ही प्यारे सीजन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। स्पेशल OPS 1.5 द हिम्मत स्टोरी, जी हाँ, ये सीज़न है जिसका नेम मैंने आप लोगों के सामने भी लिया, स्पेशल OPS 1.5। ये सीज़न है जो कि बहुत ही अच्छा सीज़न बनाया गया है। आप लोगों को ये सीज़न कंप्लीट कहाँ पर देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये किस तरह की यहाँ पर सीज़न बनाया गया है, हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, एंड अभी फाइनली ये हमें कहाँ पर अवेलेबल किया गया है, हिंदी में अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारे सीजन के बारे में, जिसका नेम है जी स्पेशल OPS, मींस यहाँ पर स्पेशल OPS 1.5 के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम बात करें कास्टिंग की, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी अच्छी होगी, मूवी में जान होगी। सीरीज़ हो या मूवी, कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेंगे के मैनन, विनय पाठक, आफ्ताब शिद्वासिनी और आदिल खान, परमीत शेट्टी और काली प्रसाद मुखर्जी और ऐश्वर्या सुष्मिता देखने को मिलेंगे। और भी वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं इस सीज़न के अंदर, लेकिन यहाँ पर लीड रोल इन्होंने प्ले किया है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल इन्होंने प्ले किया है। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी जो है वो जेनर क्या है, हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा इस सीज़न के अंदर। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस सीज़न में आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ एक्शन देखने को मिलेगा। तो ये सारा कुछ आप लोगों को इस सीज़न में देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी किया गया है। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इसकी IMDB रेटिंग क्या है एंड उसी के साथ साथ इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDB रेटिंग जो है वो है जी 8.3 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी परसेंटेज कितनी है गूगल के यूज़र्स की तरफ से, तो इसे 96% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि ये सीज़न जो है वो कब रिलीज़ किया गया और उसी के साथ साथ ये सीज़न जो है उसके कितने अभी तक सीज़न आ चुके हैं, इस वेब सीरीज़ के कितने सीज़न आ चुके हैं और इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स टोटल कितने हैं, कितनी टाइम ड्यूरेशन रखते हैं, तो इन चीज़ों पर हम बात करते हैं। तो अभी तक इसका एक ही सीज़न आया है एंड उसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो 4 एपिसोड हैं, जो कि बहुत ही अच्छे एपिसोड हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली वो देखने चाहिए। अगर आप लोग देखेंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को मज़ा आएगा, आप लोग यहाँ पर कम्प्लीटली इंगेज्ड रहेंगे। बाकी उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की, कि इस सीरीज़ की डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन चाहे मूवी की हो या सीरीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी कंटेंट बनाना हो, चाहे आप YouTube के लिए वीडियो ही क्यों ना बना रहे हो, तो आप लोगों को जो है वो डायरेक्शन, प्रोडक्शन, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक सीरीज़ के लिए, एक मूवी के लिए, एक किसी भी कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी की जो है वो डायरेक्शन को, इस सीरीज़ की डायरेक्शन को संभालते हुए नज़र आएंगे नीरज पांडे और शिवम नैयर। इन्होंने मिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है एंड अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने पास्ट में
कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी। तो जी हाँ, इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जिनमें से चंद के नेम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने स्पेशल 26, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, एवेनस डे, उसी के साथ साथ बेबी, अय्यारी, और उसी के साथ साथ क्रैक, और भी ऐसी मूवीज़ इन्होंने ही दी हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ हैं एंड आई थिंक आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा देखनी चाहिए। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की, इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया कि इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स कितने हैं, तो टाइम ड्यूरेशन हर एक एपिसोड की कितनी है। तो 30 से 50 मिनट के राउंड अबाउट एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन होगी। डिफरेंट डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम 50 है एंड मिनिमम 30 है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस सीरीज़ की स्टारिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, मैंने ऑलरेडी बता दिया। कंपोज़र में अद्वैत नेमालकर देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ अगर बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो शीतल भाटिया, और आप लोगों को यहाँ पर शीतल भाटिया ही प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को सुधीर पलसानी और अरविंद सिंह देखने को मिलेंगे। एडिटिंग की बात करें तो प्रवीण आप लोगों को इस मूवी की, इस सीरीज़ की एडिटिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है। प्रोडक्शन कंपनी में फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये सीज़न डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल किया गया है, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख सकते। वेल, अगर आप लोग भी मेरी तरह बहुत सारी मूवीज़ देख चुके हैं एंड आप लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ को देख लिया है, लेकिन आप लोगों को कोई भी कैटेगरी अच्छी नहीं लगी, हाँ कुछ कैटेगरीज़ अच्छी लगी हैं जिनमें थ्रिल का भी नाम आता है, तो हाँ यहाँ पर हम एक ऐसे ही यहाँ पर सीज़न के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग सीजन्स को भी इन्जॉय करते हैं, क्योंकि जब हम सीज़न देखने स्टार्ट कर जाते हैं तो हमारी जो है वो मूवीज़ बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन की लगने लग जाती है कि यार ये तो अभी स्टार्ट हुई एंड दैट्स इट, अभी ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ फेस करनी पड़ती है, मुझे भी पता है, क्योंकि मैं ख़ुद एक जो है वो सीजन्स का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, मैं सीजन्स बहुत ज़्यादा देखता हूँ। तो अगर आप लोग भी मेरी तरह सीजन्स वगैरह देखते हैं तो आप लोगों को भी अभी तक समझ में तो आ गया होगा कि मैं क्यों ये सारी चीज़ें बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम बहुत ही प्यारे सीज़न के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। स्पेशल OPS 1.5 द हिम्मत स्टोरी, जी हाँ ये सीज़न है जिसका नेम मैंने आप लोगों के सामने भी लिया, स्पेशल OPS 1.5 ये सीज़न है, जो कि बहुत ही अच्छा सीज़न बनाया गया है। आप लोगों को ये सीज़न कंप्लीट कहाँ पर देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये किस तरह की यहाँ पर सीज़न बनाया गया है, हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगा एंड अभी फाइनली ये हमें कहाँ पर अवेलेबल किया गया है, हिंदी में अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारे सीजन के बारे में, जिसका नेम है जी स्पेशल OPS, मींस यहाँ पर स्पेशल OPS 1.5 के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम बात करें कास्टिंग की, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी अच्छी होगी, मूवी में जान होगी, सीरीज़ हो या मूवी, कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेंगे के मैनन, विनय पाठक, आफ्ताब शिद्वासिनी और आदिल खान, परमीत शेट्टी और काली प्रसाद मुखर्जी और ऐश्वर्या सुष्मिता देखने को मिलेंगे। और भी वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं इस सीज़न के अंदर, लेकिन यहाँ पर लीड रोल इन्होंने प्ले किया है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल इन्होंने प्ले किया है। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी जो है वो जेनर क्या है, हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा इस सीज़न के अंदर। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस सीज़न में आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ एक्शन देखने को मिलेगा। तो ये सारा कुछ आप लोगों को इस सीज़न में देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी किया गया है। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इसकी IMDb रेटिंग क्या है एंड उसी के साथ साथ इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया।
तो इस सीजन की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग जो है वो है जी 8.3 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी परसेंटेज कितनी है गूगल के यूज़र्स की तरफ से, तो इसे 96% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि ये सीज़न जो है वो कब रिलीज़ किया गया, और उसी के साथ साथ ये सीज़न जो है उसके कितने अभी तक सीज़न आ चुके हैं, इस वेब सीरीज़ के कितने सीज़न आ चुके हैं, और इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स टोटल कितने हैं, कितनी टाइम ड्यूरेशन रखते हैं, तो इन चीज़ों पर हम बात करते हैं। तो अभी तक इसका एक ही सीज़न आया है, एंड उसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो 4 एपिसोड हैं, जो कि बहुत ही अच्छे एपिसोड हैं, एंड आप लोगों को डेफिनेटली वो देखने चाहिए। अगर आप लोग देखेंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को मज़ा आएगा, आप लोग यहाँ पर कम्प्लीटली इंगेज्ड रहेंगे। बाकी उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की, कि इस सीरीज़ की डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन चाहे मूवी की हो या सीरीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी कंटेंट बनाना हो, चाहे आप YouTube के लिए वीडियो ही क्यों ना बना रहे हो, तो आप लोगों को जो है वो डायरेक्शन प्रोडक्शन ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक सीरीज़ के लिए, एक मूवी के लिए, एक किसी भी कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी की जो है वो डायरेक्शन को, इस सीरीज़ की डायरेक्शन को संभालते हुए नज़र आएंगे नीरज पांडे और शिवम नैयर। इन्होंने मिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी, तो जी हाँ, इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जिनमें से चंदे के नेम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने स्पेशल 26, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, एवेनस डे, उसी के साथ साथ बेबी, अयारी, और उसी के साथ साथ क्रैक, और भी ऐसी मूवीज़ इन्होंने ही दी हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ हैं, एंड आई थिंक आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा देखनी चाहिए। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की, इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया कि इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स कितने हैं, तो टाइम ड्यूरेशन हर एक एपिसोड की कितनी है, तो 30 से 50 मिनट के राउंड अबाउट एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन होगी। डिफरेंट डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम 50 है एंड मिनिमम 30 है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस सीरीज़ की स्टारिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, मैंने ऑलरेडी बता दिया। कंपोज़र में अद्वैत नेमालकर देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ अगर बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो शीतल भाटिया, और आप लोगों को यहाँ पर शीतल भाटिया ही प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को सुधीर पलसानी और अरविंद सिंह देखने को मिलेंगे। एडिटिंग की बात करें तो प्रवीण आप लोगों को इस मूवी की, इस सीरीज़ की एडिटिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है। प्रोडक्शन कंपनी में फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये सीज़न डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल किया गया है, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख सकते। वेल, अगर आप लोग भी मेरी तरह बहुत सारी मूवीज़ देख चुके हैं एंड आप लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ को देख लिया है, लेकिन आप लोगों को कोई भी कैटेगरी अच्छी नहीं लगी, हाँ कुछ कैटेगरीज़ अच्छी लगी हैं जिनमें थ्रिल का भी नाम आता है, तो हाँ यहाँ पर हम एक ऐसे ही यहाँ पर सीज़न के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग सीजन्स को भी इंजॉय करते हैं, क्योंकि जब हम सीज़न देखने स्टार्ट कर जाते हैं तो हमारी जो है वो मूवीज़ बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन की लगने लग जाती है कि यार ये तो अभी स्टार्ट हुई एंड दैट्स इट, अभी ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ फेस करनी पड़ती है, मुझे भी पता है, क्योंकि मैं ख़ुद एक जो है वो सीजन्स का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, मैं सीजन्स बहुत ज़्यादा देखता हूँ। तो अगर आप लोग भी मेरी तरह सीजन्स वगैरह देखते हैं, तो आप लोगों को भी अभी तक समझ में तो आ गया होगा कि मैं क्यों ये सारी चीज़ें बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम बहुत ही प्यारे सीज़न के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। स्पेशल OPS 1.5 द हिम्मत स्टोरी, जी हाँ ये सीज़न है जिसका नेम मैंने आप लोगों के सामने भी लिया, स्पेशल OPS 1.5। ये सीज़न है जो कि बहुत ही अच्छा सीज़न बनाया गया है। आप लोगों को ये सीज़न कंप्लीट कहाँ पर देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये किस तरह की यहाँ पर सीज़न बनाया गया है, हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, एंड अभी फाइनली ये हमें कहाँ पर अवेलेबल किया गया है, हिंदी में अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा, और हमारी इस वीडियो
को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारे सीज़न के बारे में, जिसका नेम है जी स्पेशल ओपीएस, मींस यहाँ पर स्पेशल ओपीएस 1.5 के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम बात करें कास्टिंग की, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी अच्छी होगी, मूवी में जान होगी। सीरीज़ हो या मूवी, कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेंगे के मैनन, विनय पाठक, आफ्ताब शिद्वासिनी और आदिल खान, परमीत सेट्टी और काली प्रसाद मुखर्जी और ऐश्वर्या सुष्मिता देखने को मिलेंगे। और भी वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं इस सीज़न के अंदर, लेकिन यहाँ पर लीड रोल इन्होंने प्ले किया है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल इन्होंने प्ले किया है। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी जो है वो जेनर क्या है, हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा इस सीज़न के अंदर। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस सीज़न में आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ एक्शन देखने को मिलेगा। तो ये सारा कुछ आप लोगों को इस सीज़न में देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी किया गया है। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इसकी आईएमडीबी रेटिंग क्या है एंड उसी के साथ साथ इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस सीज़न की यहां पर जो है वो सारी की सारी आईएमडीबी रेटिंग जो है वो है जी 8.3 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीज़न की यहां पर जो है वो सारी की सारी परसेंटेज कितनी है गूगल के यूज़र्स की तरफ से, तो इसे 96% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि ये सीज़न जो है वो कब रिलीज़ किया गया और उसी के साथ साथ ये सीज़न जो है उसके कितने अभी तक सीज़न आ चुके हैं, इस वेब सीरीज़ के कितने सीज़न आ चुके हैं और इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स टोटल कितने हैं, कितनी टाइम ड्यूरेशन रखते हैं, तो इन चीज़ों पर हम बात करते हैं। तो अभी तक इसका एक ही सीज़न आया है एंड उसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो 4 एपिसोड हैं, जो कि बहुत ही अच्छे एपिसोड हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली वो देखने चाहिए। अगर आप लोग देखेंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को मज़ा आएगा, आप लोग यहां पर कम्प्लीटली इंगेज्ड रहेंगे। बाकी उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की, कि इस सीरीज़ की डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन चाहे मूवी की हो या सीरीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी कंटेंट बनाना हो, चाहे आप यूट्यूब के लिए वीडियो ही क्यों ना बना रहे हो, तो आप लोगों को जो है वो डायरेक्शन, प्रोडक्शन, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक सीरीज़ के लिए, एक मूवी के लिए, एक किसी भी कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी की जो है वो डायरेक्शन को, इस सीरीज़ की डायरेक्शन को संभालते हुए नज़र आएंगे नीरज पांडे और शिवम नैयर। इन्होंने मिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी, तो जी हाँ, इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जिनमें से चंद एक के नेम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने स्पेशल 26, एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, एवेनस डे, उसी के साथ साथ बेबी, अय्यारी और उसी के साथ साथ क्रैक, और भी ऐसी मूवीज़ इन्होंने ही दी हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ हैं एंड आई थिंक आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा देखनी चाहिए। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की, इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया कि इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स कितने हैं, तो टाइम ड्यूरेशन हर एक एपिसोड की कितनी है, तो 30 से 50 मिनट के राउंड अबाउट एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन होगी। डिफरेंट डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम 50 है एंड मिनिमम 30 है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस सीरीज़ की स्टारिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, मैंने ऑलरेडी बता दिया। कंपोज़र में अद्वैत नेमालकर देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ अगर बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो शीतल भाटिया और आप लोगों को यहाँ पर शीतल भाटिया ही प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को सुधीर पलसानी और अरविंद सिंह देखने को मिलेंगे। एडिटिंग की बात करें तो प्रवीण आप लोगों को इस मूवी की, इस सीरीज़ की एडिटिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है। प्रोडक्शन कंपनी में फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये सीज़न डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल किया गया है, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख सकते। वेल, अगर आप लोग भी मेरी तरह बहुत सारी मूवीज़ देख चुके हैं एंड आप लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ को देख लिया है, लेकिन आप लोगों को कोई भी कैटेगरी अच्छी नहीं लगी,
हाँ कुछ कैटेगरीज अच्छी लगी हैं जिनमें थ्रिल का भी नाम आता है। तो हाँ यहाँ पर हम एक ऐसे ही यहाँ पर सीजन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग सीजन्स को भी इन्जॉय करते हैं, क्योंकि जब हम सीजन देखने स्टार्ट कर जाते हैं तो हमारी जो है वो मूवीज़ बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन की लग जाती है कि यार ये तो अभी स्टार्ट हुई एंड दैट्स इट, अभी ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। मुझे भी पता है क्योंकि मैं खुद एक जो है वो सीजन्स का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, मैं वो सीजन्स बहुत ज़्यादा देखता हूँ। तो अगर आप लोग भी मेरी तरह सीजन्स वगैरह देखते हैं तो आप लोगों को भी अभी तक समझ में तो आ गया होगा कि मैं क्यों ये सारी चीज़ें बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम बहुत ही प्यारे सीजन के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। स्पेशल ओपीएस 1.5 द हिम्मत स्टोरी, जी हाँ ये सीज़न है जिसका नेम मैंने आप लोगों के सामने भी लिया, स्पेशल ओपीएस 1.5 ये सीज़न है जो कि बहुत ही अच्छा सीज़न बनाया गया है। आप लोगों को ये सीज़न कंप्लीट कहाँ पर देखने को मिलेगा इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये किस तरह की यहाँ पर सीज़न बनाया गया है, हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, एंड अभी फाइनली ये हमें कहाँ पर अवेलेबल किया गया है, हिंदी में अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारे सीजन के बारे में जिसका नेम है जी स्पेशल ओपीएस, मींस यहाँ पर स्पेशल ओपीएस 1.5 के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम बात करें कास्टिंग की, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी अच्छी होगी, मूवी में जान होगी। सीरीज़ हो या मूवी, कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेंगे के मैनन, विनय पाठक, आफ्ताब शिद्वासिनी और आदिल खान, परमीत शेट्टी और काली प्रसाद मुखर्जी और ऐश्वर्या सुष्मिता देखने को मिलेंगे। और भी वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं इस सीज़न के अंदर, लेकिन यहाँ पर लीड रोल इन्होंने प्ले किया है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल इन्होंने प्ले किया है। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी जो है वो जेनर क्या है, हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा इस सीज़न के अंदर। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस सीज़न में आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ एक्शन देखने को मिलेगा। तो ये सारा कुछ आप लोगों को इस सीज़न में देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी किया गया है। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इसकी आईएमडीबी रेटिंग क्या है एंड उसी के साथ साथ इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी आईएमडीबी रेटिंग जो है वो है जी 8.3 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी परसेंटेज कितनी है गूगल के यूज़र्स की तरफ से, तो इसे 96% तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि ये सीज़न जो है वो कब रिलीज़ किया गया और उसी के साथ साथ ये सीज़न जो है उसके कितने अभी तक सीज़न आ चुके हैं, इस वेब सीरीज़ के कितने सीज़न आ चुके हैं और इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स टोटल कितने हैं, कितनी टाइम ड्यूरेशन रखते हैं, तो इन चीज़ों पर हम बात करते हैं। तो अभी तक इसका एक ही सीज़न आया है एंड उसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो 4 एपिसोड हैं जो कि बहुत ही अच्छे एपिसोड हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली वो देखने चाहिए। अगर आप लोग देखेंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को मज़ा आएगा, आप लोग यहाँ पर कम्प्लीटली इंगेज्ड रहेंगे। बाकी उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की कि इस सीरीज़ की डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन चाहे मूवी की हो या सीरीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी कंटेंट बनाना हो, चाहे आप YouTube के लिए वीडियो ही क्यों ना बना रहे हो, तो आप लोगों को जो है वो डायरेक्शन, प्रोडक्शन, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक सीरीज़ के लिए, एक मूवी के लिए, एक किसी भी कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी की जो है वो डायरेक्शन को, इस सीरीज़ की डायरेक्शन को संभालते हुए नज़र आएंगे नीरज पांडे और शिवम नैयर। इन्होंने मिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी,
तो जी हाँ, इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जिनमें से चंद एक के नेम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने स्पेशल 26, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, एवेनस डे, उसी के साथ साथ बेबी, अय्यारी, और उसी के साथ साथ क्रैक, और भी ऐसी मूवीज़ इन्होंने ही दी हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ हैं, एंड आई थिंक आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा देखनी चाहिए। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की, इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया कि इसके नंबर ऑफ एपिसोड्स कितने हैं, तो टाइम ड्यूरेशन हर एक एपिसोड की कितनी है। तो 30 से 50 मिनट के राउंड अबाउट एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन होगी। डिफरेंट डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम 50 है एंड मिनिमम 30 है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस सीरीज़ की स्टारिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, मैंने ऑलरेडी बता दिया। कंपोज़र में अद्वैत नेमालकर देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ अगर बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो शीतल भाटिया, और आप लोगों को यहाँ पर शीतल भाटिया ही प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को सुधीर पलसानी और अरविंद सिंह देखने को मिलेंगे। एडिटिंग की बात करें तो प्रवीण आप लोगों को इस मूवी की, इस सीरीज़ की एडिटिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है। प्रोडक्शन कंपनी में फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये सीजन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल किया गया है, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख सकते। वेल, अगर आप लोग भी मेरी तरह बहुत सारी मूवीज़ देख चुके हैं एंड आप लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ को देख लिया है, लेकिन आप लोगों को कोई भी कैटेगरी अच्छी नहीं लगी, हाँ कुछ कैटेगरीज़ अच्छी लगी हैं जिनमें थ्रिल का भी नाम आता है, तो हाँ यहाँ पर हम एक ऐसे ही यहाँ पर सीज़न के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग सीजन्स को भी इंजॉय करते हैं, क्योंकि जब हम सीज़न देखने स्टार्ट कर जाते हैं तो हमारी जो है वो मूवीज़ बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन की लगने लग जाती है कि यार ये तो अभी स्टार्ट हुई एंड दैट्स इट, अभी ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ फेस करनी पड़ती है, मुझे भी पता है, क्योंकि मैं ख़ुद एक जो है वो सीजन्स का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, मैं सीजन्स बहुत ज़्यादा देखता हूँ। तो अगर आप लोग भी मेरी तरह सीजन्स वगैरह देखते हैं तो आप लोगों को भी अभी तक समझ में तो आ गया होगा कि मैं क्यों ये सारी चीज़ें बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम बहुत ही प्यारे सीज़न के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। स्पेशल OPS 1.5 द हिम्मत स्टोरी, जी हाँ ये सीज़न है जिसका नेम मैंने आप लोगों के सामने भी लिया, स्पेशल OPS 1.5 ये सीज़न है, जो कि बहुत ही अच्छा सीज़न बनाया गया है। आप लोगों को ये सीज़न कंप्लीट कहाँ पर देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये किस तरह की यहाँ पर सीज़न बनाया गया है, हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, एंड अभी फाइनली ये हमें कहाँ पर अवेलेबल किया गया है, हिंदी में अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा, और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारे सीजन के बारे में, जिसका नेम है जी स्पेशल OPS, मींस यहाँ पर स्पेशल OPS 1.5 के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम बात करें कास्टिंग की, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी अच्छी होगी, मूवी में जान होगी। सीरीज़ हो या मूवी, कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेंगे के मैनन, विनय पाठक, आफ्ताब शिदवासिनी और आदिल खान, परमीत सेट्टी और काली प्रसाद मुखर्जी और ऐश्वर्या सुष्मिता देखने को मिलेंगे। और भी वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं इस सीज़न के अंदर, लेकिन यहाँ पर लीड रोल इन्होंने प्ले किया है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल इन्होंने प्ले किया है। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी जो है वो जेनर क्या है, हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा इस सीज़न के अंदर। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस सीज़न में आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ एक्शन देखने को मिलेगा। तो ये सारा कुछ आप लोगों को इस सीज़न में देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी किया गया है। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इसकी IMDb रेटिंग क्या है एंड उसी के साथ साथ इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया।
तो इस सीजन की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग जो है वो है जी 8.3 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी परसेंटेज कितनी है गूगल के यूज़र्स की तरफ से, तो इसे 96% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि ये सीज़न जो है वो कब रिलीज़ किया गया, और उसी के साथ साथ ये सीज़न जो है उसके कितने अभी तक सीज़न आ चुके हैं, इस वेब सीरीज़ के कितने सीज़न आ चुके हैं, और इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स टोटल कितने हैं, कितनी टाइम ड्यूरेशन रखते हैं, तो इन चीज़ों पर हम बात करते हैं। तो अभी तक इसका एक ही सीज़न आया है, एंड उसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो 4 एपिसोड हैं, जो कि बहुत ही अच्छे एपिसोड हैं, एंड आप लोगों को डेफिनेटली वो देखने चाहिए। अगर आप लोग देखेंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को मज़ा आएगा, आप लोग यहाँ पर कम्प्लीटली इंगेज्ड रहेंगे। बाकी उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की, कि इस सीरीज़ की डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन चाहे मूवी की हो या सीरीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी कंटेंट बनाना हो, चाहे आप यूट्यूब के लिए वीडियो ही क्यों ना बना रहे हो, तो आप लोगों को जो है वो डायरेक्शन प्रोडक्शन ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक सीरीज़ के लिए, एक मूवी के लिए, एक किसी भी कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी की जो है वो डायरेक्शन को, इस सीरीज़ की डायरेक्शन को संभालते हुए नज़र आएंगे नीरज पांडे और शिवम नैयर। इन्होंने मिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी, तो जी हाँ, इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जिनमें से चंद के नेम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने स्पेशल 26, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, एवेनस डे, उसी के साथ साथ बेबी, अय्यारी, और उसी के साथ साथ क्रैक, और भी ऐसी मूवीज़ इन्होंने ही दी हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ हैं, एंड आई थिंक आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा देखनी चाहिए। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की, इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया कि इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स कितने हैं, तो टाइम ड्यूरेशन हर एक एपिसोड की कितनी है, तो 30 से 50 मिनट के राउंड अबाउट एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन होगी। डिफरेंट डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम 50 है एंड मिनिमम 30 है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस सीरीज़ की स्टारिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, मैंने ऑलरेडी बता दिया। कंपोज़र में अद्वैत नेमालकर देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ अगर बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो शीतल भाटिया, और आप लोगों को यहाँ पर शीतल भाटिया ही प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को सुधीर पलसानी और अरविंद सिंह देखने को मिलेंगे। एडिटिंग की बात करें तो प्रवीण आप लोगों को इस मूवी की, इस सीरीज़ की एडिटिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है। प्रोडक्शन कंपनी में फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये सीज़न डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल किया गया है, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख सकते। वेल, अगर आप लोग भी मेरी तरह बहुत सारी मूवीज़ देख चुके हैं एंड आप लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ को देख लिया है, लेकिन आप लोगों को कोई भी कैटेगरी अच्छी नहीं लगी, हाँ कुछ कैटेगरीज़ अच्छी लगी हैं जिनमें थ्रिल का भी नाम आता है, तो हाँ यहाँ पर हम एक ऐसे ही यहाँ पर सीज़न के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग सीजन्स को भी इन्जॉय करते हैं, क्योंकि जब हम सीज़न देखने स्टार्ट कर जाते हैं तो हमारी जो है वो मूवीज़ बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन की लगने लग जाती है कि यार ये तो अभी स्टार्ट हुई एंड दैट्स इट, अभी ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ फेस करनी पड़ती है, मुझे भी पता है, क्योंकि मैं ख़ुद एक जो है वो सीजन्स का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, मैं सीजन्स बहुत ज़्यादा देखता हूँ। तो अगर आप लोग भी मेरी तरह सीजन्स वगैरह देखते हैं, तो आप लोगों को भी अभी तक समझ में तो आ गया होगा कि मैं क्यों ये सारी चीज़ें बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम बहुत ही प्यारे सीज़न के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। स्पेशल OPS 1.5 द हिम्मत स्टोरी, जी हाँ ये सीज़न है जिसका नेम मैंने आप लोगों के सामने भी लिया, स्पेशल OPS 1.5 ये सीज़न है, जो कि बहुत ही अच्छा सीज़न बनाया गया है। आप लोगों को ये सीज़न कंप्लीट कहाँ पर देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये किस तरह की यहाँ पर सीज़न बनाया गया है, हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, एंड अभी फाइनली ये हमें कहाँ पर अवेलेबल किया गया है, हिंदी में अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा, और हमारी इस वीडियो को
को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारे सीज़न के बारे में, जिसका नेम है जी स्पेशल OPS, मींस यहाँ पर स्पेशल OPS 1.5 के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम बात करें कास्टिंग की, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी अच्छी होगी, मूवी में जान होगी। सीरीज़ हो या मूवी, कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेंगे के मैनन, विनय पाठक, आफ्ताब शिद्वासिनी और आदिल खान, परमीत शेट्टी और काली प्रसाद मुखर्जी और ऐश्वर्या सुष्मिता देखने को मिलेंगे। और भी वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं इस सीज़न के अंदर, लेकिन यहाँ पर लीड रोल इन्होंने प्ले किया है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल इन्होंने प्ले किया है। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी जो है वो जेनर क्या है, हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा इस सीज़न के अंदर। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस सीज़न में आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ एक्शन देखने को मिलेगा। तो ये सारा कुछ आप लोगों को इस सीज़न में देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी किया गया है। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इसकी IMDB रेटिंग क्या है एंड उसी के साथ साथ इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDB रेटिंग जो है वो है जी 8.3 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी परसेंटेज कितनी है गूगल के यूज़र्स की तरफ से, तो इसे 96% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि ये सीज़न जो है वो कब रिलीज़ किया गया और उसी के साथ साथ ये सीज़न जो है उसके कितने अभी तक सीज़न आ चुके हैं, इस वेब सीरीज़ के कितने सीज़न आ चुके हैं और इसके नंबर ऑफ एपिसोड्स टोटल कितने हैं, कितनी टाइम ड्यूरेशन रखते हैं, तो इन चीज़ों पर हम बात करते हैं। तो अभी तक इसका एक ही सीज़न आया है एंड उसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो 4 एपिसोड हैं, जो कि बहुत ही अच्छे एपिसोड हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली वो देखने चाहिए। अगर आप लोग देखेंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को मज़ा आएगा, आप लोग यहाँ पर कम्प्लीटली इंगेज्ड रहेंगे। बाकी उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की, कि इस सीरीज़ की डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन चाहे मूवी की हो या सीरीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी कंटेंट बनाना हो, चाहे आप YouTube के लिए वीडियो ही क्यों ना बना रहे हों, तो आप लोगों को जो है वो डायरेक्शन, प्रोडक्शन, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक सीरीज़ के लिए, एक मूवी के लिए, एक किसी भी कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी की जो है वो डायरेक्शन को, इस सीरीज़ की डायरेक्शन को संभालते हुए नज़र आएंगे नीरज पांडे और शिवम नैयर। इन्होंने मिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी, तो जी हाँ, इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जिनमें से चंद एक के नेम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने स्पेशल 26, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, अवेनस डे, उसी के साथ साथ बेबी, अयारी और उसी के साथ साथ क्रैक, और भी ऐसी मूवीज़ इन्होंने ही दी हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ हैं एंड आई थिंक आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा देखनी चाहिए। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की, इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया कि इसके नंबर ऑफ एपिसोड्स कितने हैं, तो टाइम ड्यूरेशन हर एक एपिसोड की कितनी है, तो 30 से 50 मिनट के राउंड अबाउट एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन होगी। डिफरेंट डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम 50 है एंड मिनिमम 30 है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस सीरीज़ की स्टारिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, मैंने ऑलरेडी बता दिया। कंपोज़र में अद्वैत नेमालकर देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ अगर बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो शीतल भाटिया, और आप लोगों को यहाँ पर शीतल भाटिया ही प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को सुधीर पलसानी और अरविंद सिंह देखने को मिलेंगे। एडिटिंग की बात करें तो प्रवीण आप लोगों को इस मूवी की, इस सीरीज़ की एडिटिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है। प्रोडक्शन कंपनी में फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये सीज़न डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल किया गया है, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख सकते। वेल, अगर आप लोग भी मेरी तरह बहुत सारी मूवीज़ देख चुके हैं एंड आप लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ को देख लिया है, लेकिन आप लोगों को कोई भी कैटेगरी अच्छी नहीं लगी,
हाँ कुछ कैटेगरीज अच्छी लगी हैं जिनमें थ्रिल का भी नाम आता है। तो हाँ यहाँ पर हम एक ऐसे ही यहाँ पर सीजन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग सीजन्स को भी इंजॉय करते हैं, क्योंकि जब हम सीजन देखने स्टार्ट कर जाते हैं तो हमारी जो है वो मूवीज़ बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन की लगने लग जाती है कि यार ये तो अभी स्टार्ट हुई एंड दैट्स इट, अभी ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। मुझे भी पता है, क्योंकि मैं खुद एक जो है वो सीजन्स का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, मैं सीजन्स बहुत ज़्यादा देखता हूँ। तो अगर आप लोग भी मेरी तरह सीजन्स वगैरह देखते हैं तो आप लोगों को भी अभी तक समझ में तो आ गया होगा कि मैं क्यों ये सारी चीज़ें बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम बहुत ही प्यारे सीजन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। स्पेशल OPS 1.5 द हिम्मत स्टोरी, जी हाँ ये सीज़न है जिसका नेम मैंने आप लोगों के सामने भी लिया, स्पेशल OPS 1.5 ये सीज़न है, जो कि बहुत ही अच्छा सीज़न बनाया गया है। आप लोगों को ये सीज़न कंप्लीट कहाँ पर देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये किस तरह की यहाँ पर सीज़न बनाया गया है, हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, एंड अभी फाइनली ये हमें कहाँ पर अवेलेबल किया गया है, हिंदी में अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारे सीजन के बारे में, जिसका नेम है जी स्पेशल OPS, मींस यहाँ पर स्पेशल OPS 1.5 के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम बात करें कास्टिंग की, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी अच्छी होगी, मूवी में जान होगी। सीरीज़ हो या मूवी, कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेंगे के मैनन, विनय पाठक, आफ्ताब शिद्वासिनी और आदिल खान, परमीत शेट्टी और काली प्रसाद मुखर्जी और ऐश्वर्या सुष्मिता देखने को मिलेंगे। और भी वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं इस सीज़न के अंदर, लेकिन यहाँ पर लीड रोल इन्होंने प्ले किया है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल इन्होंने प्ले किया है। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी जो है वो जेनर क्या है, हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा इस सीज़न के अंदर। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस सीज़न में आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ एक्शन देखने को मिलेगा। तो ये सारा कुछ आप लोगों को इस सीज़न में देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी किया गया है। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इसकी IMDB रेटिंग क्या है एंड उसी के साथ साथ इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDB रेटिंग जो है वो है जी 8.3 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीज़न की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी परसेंटेज कितनी है गूगल के यूज़र्स की तरफ से, तो इसे 96% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करें कि ये सीज़न जो है वो कब रिलीज़ किया गया और उसी के साथ साथ ये सीज़न जो है उसके कितने अभी तक सीज़न आ चुके हैं, इस वेब सीरीज़ के कितने सीज़न आ चुके हैं और इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स टोटल कितने हैं, कितनी टाइम ड्यूरेशन रखते हैं, तो इन चीज़ों पर हम बात करते हैं। तो अभी तक इसका एक ही सीज़न आया है एंड उसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो 4 एपिसोड हैं, जो कि बहुत ही अच्छे एपिसोड हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली वो देखने चाहिए। अगर आप लोग देखेंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को मज़ा आएगा, आप लोग यहाँ पर कम्प्लीटली इंगेज रहेंगे। बाकी उसी के साथ साथ हम बात करें डायरेक्शन की, कि इस सीरीज़ की डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन चाहे मूवी की हो या सीरीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी कंटेंट बनाना हो, चाहे आप YouTube के लिए वीडियो ही क्यों ना बना रहे हो, तो आप लोगों को जो है वो डायरेक्शन, प्रोडक्शन, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक सीरीज़ के लिए, एक मूवी के लिए, एक किसी भी कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी की जो है वो डायरेक्शन को, इस सीरीज़ की डायरेक्शन को संभालते हुए नज़र आएंगे नीरज पांडे और शिवम नैयर। इन्होंने मिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है एंड अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी,
तो जी हाँ, इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जिनमें से चंद के नेम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने स्पेशल 26, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, एवेंस डे, उसी के साथ साथ बेबी, अय्यारी और उसी के साथ साथ क्रैक, और भी ऐसी मूवीज़ इन्होंने ही दी हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ हैं एंड आई थिंक आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा देखनी चाहिए। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की, इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया कि इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स कितने हैं, तो टाइम ड्यूरेशन हर एक एपिसोड की कितनी है, तो 30 से 50 मिनट के राउंड अबाउट एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन होगी। डिफरेंट डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम 50 है एंड मिनिमम 30 है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस सीरीज़ की स्टारिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, मैंने ऑलरेडी बता दिया। कंपोज़र में अद्वैत नेमालकर देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ अगर बात करें प्रोड्यूसर्स की तो शीतल भाटिया, और आप लोगों को यहाँ पर शीतल भाटिया ही प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को सुधीर पलसानी और अरविंद सिंह देखने को मिलेंगे। एडिटिंग की बात करें तो प्रवीण आप लोगों को इस मूवी की, इस सीरीज़ की एडिटिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है। प्रोडक्शन कंपनी में फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिल जाएंगे, तो ये सीज़न डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल किया गया है, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख सकते हैं।